Okay. Okay, so welcome all. So welcome to day 16. So today we are going to cover the JavaScript, and there are a few links is available there. And this session will be covered by Saib Singh and Yuvraj. So this is a link. And there is also a very wonderful resource for self-learning. One is YouTube link, another is a PDF form. So I'm requesting all of you kindly go through these links for the self-learning purpose. And today we are going to cover 5 projects. These are the mini projects. All the codes are provided. And after completing these projects, you need to submit on submission page. जो submission हम आपसे कराते हैं mini projects पे वो आपको submit करने करने हैं. And these are the daily tasks. So please इसको करिए. आज कल morning में मैं check करूँगा कि किसने किया है, किसने नहीं किया. And the recorded lecture will be provided by the after 2 hours of the completion of the certificate. Oh, sorry, this chapter. So let's start. So Yuvraj. So good afternoon all. Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. My voice is audible. I yes. Should be a bit. Yes, sir. Okay. Thank you. So first of all, go to this directory. I will be sharing the link in chat and fork it. Today we will be learning JavaScript, which is the main fundamentals to start what we are going to do tomorrow and in the next 1.5 weeks, like React.js, Next.js, Express.js, the suffix of Oracle.js, which abbreviated to JavaScript. Okay. So I think you have opened the link. Just go here and click on fork. Select owner. Just tap on create fork. Are you with me or anyone left behind? Till now. What? Okay, just open now GitHub desktop. Have you opened? Just tap add. Kya naam hai? Se ye repeat kar dijiye ek baar. Jo last kiya aapne. Ye pehle fork ho gaya, yahan tak ho gaya? Yes sir, ho gaya. Simple search bar mein jao, GitHub desktop type kar do. Kal install karwaya tha. Sir, fork bata dijiye ek baar aur. Okay sir. Fork. आपको जो लिंक भेजा है मैंने, तुम जब क्लिक करोगे तुम इस पेज पे आओगे और यहाँ पे फोक लिखा आ रहा है, जस्ट इसे टैप करना है और तुम
इसके बाद ये कहेगा यहाँ पे ओनर सेट करके क्रिएट फोक, जब वो क्लिक करोगे तो तुम अपने ही डायरेक्टरी में आ जाओगे। क्योंकि कैसी लगेगी, इट विल बी सेइंग दैट फोक फ्रॉम एस आई एफ सिंह मंथ सेशन ईएस 23। अगर ये नहीं हो रहा, इतना नहीं करना, तो इस जैसा सिंपल वे इंडेक्स डॉट एम डी पे जाओ, नीचे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है कंटेंट का, सिंपली क्लिक दैट। समक्ष दोबारा बताऊंगा, नो सर क्लियर हो गया। अगर फोक में दिक्कत आ रही है सीधा डाउनलोड लिंक दबा दो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एम डी में जाओ। फोक हो गया, ये भी भेज देता हूँ। फोक हो गया, उसके बाद गिटहब डेस्कटॉप खोलो, गो टू ऐड एंड आफ्टर दैट टैप ऑन क्लोन रिपोजिटरी। और यहाँ पे जो इसका नाम था मर्न सेशन TSS23, इसको दबाना और यहाँ पे लोकल पास जो भी तुमने देना होगा वो दे के क्लोन कर लेना, मेरी पहले से हो रखी है। हो गया इतना, जब डेस्कटॉप खुल गया तुम्हारा, खुल गया, जस्ट ऐड लोन, यहाँ पे सर्च करो, जो नाम है इसका मर्न सेशन TSS23, यहाँ पे आगे आपका नाम आ रहा होगा जो भी आपकी आईडी का नाम है, यहाँ पे लोकल पास दो क्लोन कर दो। अगर ये नहीं हो रहा सिंपल दूसरा लिंक भेज रखा है वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। जब तुम ये सब कर लोगे तो अपने जो भी डायरेक्टरी दी थी तुमने नीचे उस पर जाना, वो फोल्डर खोलना और डे वन खोल लो उसका, सॉरी डे टू खोल लो। खुल गया यहाँ तक आगे, थोड़ा जल्दी करो, टाइम कम है आज, थोड़ा हैवी रहने वाला है। उसके बाद लेक्चर कंटेंट खोल लो एंड देन टैप ऑन बेसिक्स। आ गया यहाँ तक, यस सर। बस इसको अपने वीएस कोड पे खोल लो, ये जो फाइल आएगी तो आज जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले बता दो, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेम है, जावा पढ़ी होगी आपने पहले और सी प्लस प्लस पढ़ी होगी या सी पढ़ी होगी, पाइथन ऑल्सो इंक्लूड इन दैट। और ये जो स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट है ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राउजर जो तुम्हारा सिंपल ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, ये सीधा कंपाइल कर लेते हैं इसको, वो भी करके दिखाएंगे आज। और ऐसे भी शुरू करेंगे पहले HTML लेके। तुम्हें जब HTML खोलोगे तो ये कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा कि नहीं, यहाँ तक पहुँच गए? यस सर, यस। और ये आज विजिबल है, मुझे कंप्लेंट आई थी वो कल डार्क मोड में आपको विजिबल नहीं था। बोल विजिबल है सर, ठीक है।
इसमें अब कल से, कल जैसे हमने सीएसएस को लिंक किया था, सीएस को लिंक हमने हेड में किया था सीएसएस को यहाँ पे, बट जावास्क्रिप्ट बॉडी में होती है, तुम स्क्रिप्ट यहाँ पे हेड टैग में भी कर सकते हो। बट साहब ने कल बताया था कि ठीक है, अब सीधा क्या करो, गो लाइव का कल मैंने बताया था, गो लाइव दबा दो। पहुंच गए यहाँ तक, ये खुल गया सबका, यस सर। जल्दी रिस्पॉन्ड करो साथ साथ। ठीक यस सर। है, अब एक चीज दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट खोलो अपना, गो टू कंसोल, खुल गया यहाँ तक आगे। आगे बताओ। यस ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये सीधा कंपाइल हो जाती है, कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंसोल आ रहा है, लाइक यू हैव राइट 23 + 21, टैप एंटर्ड, इट विल बी रनिंग, ये सीधा आंसर दे देगा तुम्हें 44। वरना हमें बाकी लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, इवन एच फॉर HTML2। ठीक है, सर। जैसे पहले प्री रनिंग या सेल्फ रनिंग में हमने लिंक दिया होता है, नोट्स दिए होंगे, दिए थे, वो पढ़े हैं कि नहीं? अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला आज सेशन, क्योंकि वो जितना करा रखे हो उतना सारे कवर नहीं कर सकते, सिर्फ टच करके जाएंगे उन टॉपिक्स को। बताओ, अगर बारह नहीं होगा। चलो कोई नहीं, स्क्रिप्ट्स पे आओ, scripts.js आगे। इसमें यस सर। टॉप पे तुम्हें दो चीजें दिख रही होगी, document.write और console.log, इन दोनों का क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। इस पे जाओ, html index.html में, और यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज करो, ये पहले कमेंट किया उसे, इसको इनकमेंट कर लो, चाहे जो भी तुम इस HTML में लिखते हो, JS के जितने भी लाइंस ऑफ कोड, वो सारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन लिंक लाइक दिस, अगर तुम लग फाइल में लिख रहे हो। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक यस सर। है, जब तुम ये लिखोगे ना, तुम्हें यहाँ पे हेलो लिखना शुरू हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं? डॉक्यूमेंट यस सर। डॉट राइट का यही मतलब होता है कि जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट ओपन है उसमें ये चेंजेस करे, और अगर तुम सेम चीज कंसोल डॉट लॉग करते हो, ठीक है, तो तुम्हें जो भी तुम इसमें लिख रहे हो कंसोल डॉट लॉग में, तुम्हें यहाँ दिखेंगी वो चीजें कंसोल में। ओके सर। ओके, अब script.js खोल लो, यहाँ से शुरू होते हैं। तुमने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, कोई है ऐसा जिसने कुछ भी, सी भी नहीं पढ़ी या पाइथन नहीं पढ़ी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, एनीवन? चलो मैं मानता हूँ नहीं है, किसने कुछ तो पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें वेरिएबल्स के बारे में पता होगा कि हम वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है कि वेयर एक्स इक्वल्स टू 45 और कंसोल डॉट लॉग एक्स, वेरिएबल्स हम यूज करते हैं जब हमने एक्स की वैल्यू वेरिएबल रख के आगे चेंज करनी होती है। इस चीज को जो ये दो लाइनें हैं कॉपी करो, फर्स्ट लाइन को कॉपी करो, या लेट्स कीप इट सिंपल, index.js पे जाओ, इसको अनकमेंट कर दो। हो गया इतना? और इसको कमेंट कर दो,
कमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्लैश, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्लैश, ओके। अब script.js खोला, जिसे यहाँ पे लिख रखा है वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 45 console.log x, और जब तुम कंसोल में जाओगे तो तुम 45 दिखेगा वहां पे, क्योंकि जब भी तुम console.log यूज करते हो तो सारी जितनी वैल्यूज में रिटर्न होती है कंसोल में होती है। आज के मेजरली काम कंसोल पे ही रहेगा, बट जब तुम प्रोजेक्ट्स में आ रहे होगे तुम कुछ नई चीजें सीखोगे, लाइक इवेंट सीखोगे, तुम आगे डॉम स्ट्रक्चर सीखोगे, चल रहे हो साथ में, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब मैं आगे साहब कंटिन्यू करेगा, एक्चुअली मेरा एग्जाम है तो आई विल बी बैक इन सम टाइम, ओके। हाय एवरीवन, सो जैसे कि अभी युवराज ने स्टार्ट तो कर दिया था, हेलो आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो यू आप अभी के लिए script.js में थे, तो वहां पे आपने अभी क्या किया था कि अभी आपने यहाँ पे जो index.html थी उसमें आपने अनकमेंट कर दिया था ये वाला जो स्क्रिप्ट वाला जो स्क्रिप्ट अपना टैग यूज करा हुआ है, जो अपनी जो js फाइल है उसे ज्वाइन करने के लिए या लिंक करने के लिए अपनी html फाइल को, और उसके बाद आपने किया था कि आपने गो लाइव पे जाकर अपनी वेबसाइट खोल ली थी, और उसके बाद अभी आपने ये किया था कॉर, युवराज ने ये भी बताया था कि अगर आप वहाँ पे उसे उन दो लाइंस को अनकमेंट करोगे, ये वाले var x is equals to 45 एंड console.log x, इससे हमारी 45 वैल्यू अपनी वहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो रही है, क्योंकि x की वैल्यू है जो 45 असाइन करी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 45 आ रहा है लिखकर, और अगर आप ये 100 देखोगे तो आपका 100 भी वहाँ पे आ रहा होगा। उसका कारण ये है कि वहाँ पे y log हो रहा है, ठीक है। अगर आप अभी y का देखोगे ना तो y का ऐसे है कि सबसे पहले तो हमने उसे 34 असाइन किया था, देन आफ्टरवर्ड्स हमने उसे y इज इक्वल टू 100 असाइन कर दिया था। तो इसमें ऐसे है कि जो let है ना, let कीवर्ड सिमिलर है var का, बट ऐसे है कि ये थोड़ा अभी आपको इसी सेशन में मैं करवाऊंगा ES6, ठीक है। ES6 में हमारा चेंज हो गया था कि var जहाँ एक बोलता था val, ये वाला एक था var एक था val, ठीक है। इन दोनों को चेंज करके हम इस बारी ES6 में आ गया था let and const, ठीक है। let का सिमिलर है, बस इसके थोड़े से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अभी मान लो अभी आपने असाइन कर दिया बट आप भूल गए इसे डीअसाइन करना, जहाँ अब इसे क्लियर करना रह गया, बट जो जावास्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली इसे क्लियर कर दी, ये एक एडवांटेज है उसकी, ठीक है। अभी वाई इज इक्वल 34 पहले असाइन हुआ, फिर 100 हो गया, इसलिए यहाँ पे console.y में console.log में y 100 प्रिंट हो रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 100 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद अभी और एक और बात है, लेट एंड वायर में हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसमें वैल्यूज फिर से असाइन कर सकते हैं, ठीक है।
बट वो केस इसमें नहीं होगा कॉन्स्ट में. जैसे किसी भी लैंग्वेज में होता है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है, सिमिलर है इसमें जावास्क्रिप्ट में. जावास्क्रिप्ट में है कि कॉन्स्ट कॉन्स्ट का हम यूज करते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए. और उसके बाद जैसे मान लो अभी फिर से यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 56 दिया हुआ है. ठीक है, अगर मैं लॉग करूंगा तो यहाँ पे 56 वैल्यू ही लॉग हो. ठीक है, ये देखो यहाँ पे 56 लॉग हो रहा है. ओके, और उसके बाद अगर मान लो मैं इसे अभी फिर से कोई और वैल्यू असाइन करूंगा तो वो असाइन नहीं होगी. ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, एरर आ गया यहाँ, तो वो एरर दिखा रहा है. इसलिए हम उसे बिल्कुल भी चेंज ही नहीं कर सकते. अगर हमने कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दी तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, अभी कोई यहाँ तक का कोई डाउट हो? ओके, सो उसके बाद है हमारा डेटा टाइप्स. जैसे सारे के सारे अपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें काफी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है, अभी इसमें क्या है कि अभी अपने जेएस में दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं प्रिमिटिव और एक होते हैं अपने नॉन प्रिमिटिव. और प्रिमिटिव में आते हैं स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया. ठीक है, ये सभी में कॉमन है. और उसके बाद एक और कॉमन चीज है एरे सभी लैंग्वेजेस में. उसका नाम अलग हो सकता है बट काम सिमिलर है. और उसके बाद दो इसमें दो मेन चीज हैं जो डिफरेंट हैं प्रिमिटिव में, नल एंड अनडिफाइंड. ये हम नेक्स्ट देखेंगे. उससे पहले नॉन प्रिमिटिव में आता है एक ऑब्जेक्ट, ये भी हम देखेंगे क्या होता है. ये दोनों, ये तीनों चीजें हम देखते हैं. पहले आते हैं नल एंड अनडिफाइंड. अगर किसी को पता है नल एंड अनडिफाइंड का तो बताओ. कुछ भी हो, कोई एग्जाम्पल देनी हो या कुछ भी, एनी वन. नहीं, अनडिफाइंड जिस पे कोई वैल्यू असाइन नहीं. ओके, और अनडिफाइंड असाइन नहीं किया हुआ तो एंड टाइप है तो जिसमें गार्बेज वैल्यू मिले. सॉरी यार, एक एक करके बोलोगे समझ नहीं आ रहा. जहाँ पे जिसको डिफाइन नहीं किया उसका डेटा टाइप, और नल जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं सेव करके, नल वैल्यू सेव करके यानी नो वैल्यू. ओके, ठीक है. तो इसमें जैसे मुझे नाम नहीं पता, चलो इसमें बताया वैसे ही है. अगर अनडिफाइंड है तो हमने उसे डिफाइन ही नहीं करा एट द फर्स्ट प्लेस, हमने डिफाइन ही नहीं करा हुआ तो वो अनडिफाइंड है. जैसे मैं अभी के लिए कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ लेट एक्स, तो ये एक अनडिफाइंड वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है, इसका डेटा टाइप अनडिफाइंड आएगा. और अगर हम नल की बात करें, अगर हम स्पेसिफिकली किसी वेरिएबल को नल असाइन कर दें तो वो नल है. ठीक है, ये फर्क है दोनों में. दोनों में काफी कंफ्यूजन आती है. अगर हम बेसिक बात करें तो ये डिफरेंस है. ठीक है, आफ्टर दैट उसके बारे में आपको इन तीनों के बारे में तो पता है, ये मैं नहीं बता रहा अभी. स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन. स्ट्रिंग में होता है कोई भी अपना सीरीज ऑफ लेटर्स और करेक्टर्स. ठीक है, और नंबर में 1 2 3 4 -1 1.2 एक्सेट्रा. देन आफ्टर दैट बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, एरे में कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, सिमिलर एलिमेंट्स. ठीक है, और ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है कि जैसे मान लो अभी मैं कर रहा हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू ये, तो ये वाली जो अपनी कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, कोई भी चीज है जावास्क्रिप्ट में अगर वो इन कर्ली ब्रैकेट्स में है तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने स्ट्रिंग्स का हो सकता है कोई. जैसे अभी एक और चीज होती है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे होती है एक की एंड वैल्यू, की स्लैश कोलन वैल्यू. ठीक है, इनकी कलेक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, अभी जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखूं नेम साहब. ठीक है, देन एज जो भी लिख लो अपना देख लो. अभी मान लो अभी मैंने यहाँ पे एक कर दिया स्किल्स, ये एक एरे बना देते हैं. ठीक है, एरे की नोटेशन सेम है. ठीक है, यहाँ पे HTML, CSS, JS. ठीक है, ये आ गया, ये एक एरे. अभी इसे मैंने असेस करना है तो कैसे करेंगे? एक तो वे ये है, पहले तो इसे कंसोल लॉग करा कर देखते हैं कि आ क्या रहा है. ठीक है, ये वाली चीज, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट समझ आ गया ना कि ऑब्जेक्ट होता क्या है.
अब इसे असेस कैसे करना है वो देखते हैं अभी। यस नो यस सर ओके कोई डाउट है तो बताओ अभी तक पूछ लिया करो साथ के साथ पूछ लो। ओके तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो अभी मैंने कंसोल लॉग किया था तो यहाँ पे नेम साहिब आ गया और स्किल्स एक एरे आ गया। अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो उसके बाद स्किल्स एंड यहाँ आ गया 0 1 2 0 पे है हमारा 0th इंडेक्स पे है HTML 1 पे CSS एंड 2 पे JS ठीक है। उसके बाद मान लो अभी इसने इसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ नेम को असेस करना है तो हम क्या करेंगे एक्स डॉट नेम नेम है की तो की के साथ हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या किया था कंसोल डॉट लॉग एक्स डॉट नेम तो यहाँ पे साहिब आ गया। और अगर मैं इसी की जगह पे करूँगा स्किल्स तो यहाँ पे एक एरे आ जाएगा जो हमारा वहाँ पे मैंने असाइन करा हुआ है। और अगर हमने उस एरे के बीच में से कोई भी वैल्यू लेनी है तो कैसे करेंगे कि उसमें उसका इंडेक्स डाल दो। जैसे अभी मान लो मैंने जेएस लेना तो उसका क्या करूँगा 2 सेकेंड इंडेक्स पे 0 1 2 सो 2 दे दिया तो यहाँ वहाँ पे जेएस प्रिंट होना चाहिए। ये देखो जहाँ यहाँ पे जेएस प्रिंट हो गया ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो अभी हमें कुछ पता ही नहीं है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 12 अभी हमने देखना है कि इसका टाइप क्या है हमें नहीं पता। वैसे तो पता है कि नंबर है बट हमें नहीं पता हमने चेक करना है तो कैसे करेंगे कि हम इसे यहाँ पे कर देंगे एक चीज़ आती है टाइप ऑफ ठीक है। अगर इसे हम करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखो नंबर आ गया जो एक्स का टाइप है जो डेटा टाइप है वो एक नंबर है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दूँ तो वहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ट्रू डाल दूंगा तो वहाँ पे बुलियन आ जाएगा ठीक है। अभी एक और कर लेते हैं इसमें मैंने एरे ऑफ नंबर्स डाल दिया तो यहाँ पे आ गया एरे ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट भी एक टाइप का एरे सॉरी एरे भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही है। ये भी बढ़िया आ गया समझ आ गया मतलब पता लग गया ठीक है। अभी इसके बारे में और भी तुम पढ़ सकते हो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट ही चलूंगा काफ़ी कुछ है करवाने के। देन उसके बाद है टाइप देख ली डेटा टाइप्स देख ले देन ऑपरेटर्स आ गए। ऑपरेटर्स जैसे अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल ठीक है। ये मैं नहीं दिखा रहा अभी आप बाद में देख लेना बाद में इसे अनकमेंट करके देख लेना ये बहुत सिंपल है। एडिशन में प्लस कर दिया एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू एक्स माइनस वाई ऐसा कुछ करके वो सेम चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही है। देन आफ्टरवर्ड्स रिलेशनल ऑपरेटर्स इसमें क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं ये हमें पता है तो इसके क्या का हम यूज कर सकते हैं वो ये रहे। अभी इसमें मेन चीज मेन जो डिफरेंस आता है वो आता है इसमें इन दोनों में ये वाले यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्पेसिफिकली कि क्या है ये स्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखोगे 3 ट्रिपल इक्वल टू आए हुए डाले हुए हैं तो इसका क्या है कि इसमें डेटा टाइप ही चेक होगा अगर वो स्ट्रिंग है तो ट्रू वैल्यू करेगा। अगर फर्स्ट डेटा टाइप चेक होगा अगर वो डेटा टाइप ही सिमिलर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर डेटा टाइप सेम है देन आफ्टरवर्ड्स वैल्यू चेक होगी अगर वैल्यू फिर से सिमिलर नहीं है इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर है तो हम ठीक है तो अपना ओके है। अभी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जैसे मान लो अभी मैंने किया कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे किया 2 ठीक है। ये देखते हैं पहले ये क्या आता है जो हमारा बाकी लैंग्वेजेस में होता है उसका क्या आंसर आता है ये देखते हैं। इसमें आ रहा है ट्रू बट ये तो एक नंबर है ये एक स्ट्रिंग है ये सेम आ रहा है। अगर हम इसी को ये करके और ये कर दें ट्रिपल इक्वल टू और इसे भी स्ट्रिंग है राइट हैंड साइड भी स्ट्रिंग है और लेफ्ट हैंड साइड भी स्ट्रिंग है तो क्या आता है ट्रू ठीक है। यही तो हम चाहते थे कि ट्रू आए क्योंकि इसका डेटा टाइप ही सेम है और ये इसकी वैल्यू भी सेम है। अभी मान लो अगर हम इसकी डेटा टाइप ही चेंज कर दें डेटा टाइप इसे नंबर बना दें और इसे स्ट्रिंग बना दें तो देखते हैं क्या फॉल्स ठीक है ओके कोई डाउट इसमें आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑपरेटर्स में वही आ जाता है हमारा इक्वल टू अगर किसी को असाइन करना है जैसे अभी हम यहाँ पे शुरू से ही असाइन करते आ रहे हैं तो असाइन कैसे कर रहे हैं इक्वल टू के साथ और उसके बाद हम प्लस इक्वल्स टू ये देख लेना ये सेम ही है सभी में सेम ही होता है ठीक है।
उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस भी सेम ही होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं, दिस इज फॉर एंड, सॉरी डबल एंड इज फॉर द एंड, इसमें डॉट राइट में तो ऐसा पता नहीं यार मुझे, इसका नहीं पता, ये देखो यहाँ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है कि जो कंसोल डॉट लॉग है ना वो कंसोल में होगा, वो कंसोल में प्रिंट होगा, अगर मैं यहाँ पे कर दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो वो यहाँ पे होगा डॉम में, यहाँ पे डॉम देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे हो जहाँ पे ये लिखा हुआ है द डे ऑफ जावास्क्रिप्ट जेएस, वहां पे राइट होगा, ठीक है, ओके। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये भी सेम होता है, इफ इफ स्टेटमेंट होती है कोई कंडीशन चेक करने के लिए, उसका सिंटैक्स ये होता है इफ, ठीक है, यहाँ पे अगर वो ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे आ जाती है अपनी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे आएगी कंडीशन, और अगर वो ट्रू हो जाती है तो अगर अंदर वाला कोड चल जाएगा, अगर नहीं होती तो फोर नहीं चलेगा, और उसके बाद यहाँ पे होता है एल्स, अगर वो नहीं चली तो क्या करना है, एल्स वाला चल जाएगी, ठीक है, अगर अभी मान लो अभी एल्स कैसे करना है इसमें, एल्स इफ, इसका सिंटेक्स ये है, ठीक है, ये डिफरेंट होता है, जैसे उसमें मुझे लगता है था पाइथन में होता है एलिफ, ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है, बाकी सिमिलर है, फंक्शनलिटी सिमिलर है, बस सिंटेक्स का फर्क है, यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट्स, इफ के लिए, इफ एल्स के लिए कंडीशन देन एल्स देन इफ एल्स, ये हो सकता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी योर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -12, यहाँ पे असाइन किया हुआ है डब्ल्यू को -12, और उसमें ये कंडीशन लगी हुई है, इफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जीरो देन पॉजिटिव, लेस देन जीरो नेगेटिव, एल्स जीरो, यहाँ पे नेगेटिव, हाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, आगे आते हैं लूप्स, लूप्स होते हैं फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, ठीक है, डू वाइल लूप हो गया, ये सिमिलर है सिंटेक्स जो हमारा सी में होता है या सी प्लस प्लस में कह लो, सिमिलर है, ठीक है, फॉर लूप के लिए फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, लेट आई इज इक्वल्स टू जीरो, देन कंडीशन कब तक हमने चलाना है वो लूप, देन आफ्टरवर्ड्स के अपडेट कैसे होना चाहिए, आई प्लस प्लस होना चाहिए कि माइनस माइनस होना चाहिए, कि कितना उसका जंप करना चाहिए, एक जंप करना है, दो तीन, जितने भी करना है वो सेम है, और वाइल लूप में सिमिलर है, अगर वो कंडीशन हो रही है ट्रू है तो वो चलता जाएगा, अगर फॉल्स होगी वो हट जाएगा, डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होगी पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सिमिलर है बाकी सारी लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है, अभी यहाँ तक हमारे हो गए बेसिक्स, ये वाली तुम जो मैंने अभी करवाया ये सारा पहले तो वैसे तो तुम्हारे लिए था कि तुम सेल्फ लर्न करके आओ, जो वीडियो डाली थी यूट्यूब वाली, बट कोई नहीं एक बार फिर से करवा दिया, अभी बताओ बेसिक्स में कोई डाउट हो फिर हम आगे चलें, ओके कोई डाउट नहीं है किसी को भी, चलो ठीक है, उसके बाद है कि बेसिक्स, बेसिक्स तो हमारे हो गए, तो अब आते हैं हम डॉम पे, डॉम खोल लो और डॉम की हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल खोल कर उसका फिर से गो लाइव पे क्लिक कर दो, तुम्हारा ऑलरेडी पोर्ट चल रहा होगा उसे फिर से क्लिक करना और फिर से गो लाइव को दबा देना, गो लाइव का बटन आ जाएगा वहां पे, गो लाइव किया, ठीक है ये आ गया, खाली आएगा ये, ठीक है वो देख लेना, वो खाली आएगा कोई बात नहीं, अभी इसमें एक मेन चीज बतानी है, कल मैंने बूटस्ट्रैप करवाते वक्त कहा था कि अगर हम स्क्रिप्ट को ऊपर लेंगे, ऊपर हेड में लिंक करेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो जाएगी एचटीएमएल से, ठीक है यहाँ तक हो, यहाँ तक याद है कल जो मैंने कहा था, यस नो यस सर, रिस्पोंड करते रहो यार, ओके तो इसमें ऐसे है कि अभी के लिए मैंने ये ऊपर डाली हुई है, बट ये चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
अगर मैं स्क्रिप्ट में जाऊं तो चाहे मैं यहाँ पे मान लो ये आ गया और इसी पे ही लगाऊं, अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग ये मैं बताता हूँ कि क्या कर क्या रहा हूँ, मैं क्या लिख क्या रहा हूँ ये बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं आया, कंसोल हमारा कंसोल में कोई भी एरर नहीं आया। तो ये हो कैसे रहा है? ये काफी बार ना इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि कैन बी अटैच और कैन बी लिंक स्क्रिप्ट और जेएस फाइल इन द हेड टैग। तो काफी बंदे वहां पे कह देते हैं कि नहीं कर नहीं सकते, बट कर सकते हैं। अभी ये देखोगे ना यहाँ पे मैंने डेफर लगाया हुआ, ये एक एट्रीब्यूट है जो ये कहता है कि जो अपनी अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल है ना वो उसको सबसे बाद में लोड करो। जो काम हम मैन्युअली पहले कर रहे थे बिल्कुल एंड में, बॉडी के बिल्कुल एंड में अटैच करके लिंक करके जावास्क्रिप्ट फाइल, वो हमारा ये वाला टैग हेड में कर रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना कि डेफर का यूज करके हम हेड में स्क्रिप्ट को या जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद आते हैं डॉम पे। अगर आप डेट टू की इंडेक्स डॉट ये इसमें आ जाओगे ना जहाँ पे कंटेंट का आपको लिंक दिया कहा था, अगर आप यहाँ पे जाओगे मॉन मॉन सेशन जो रेपो का लिंक डाला था युवराज ने, वहाँ पे जाओगे, देन उसके बाद डे टू पे गए, देन आफ्टरवर्ड्स इंडेक्स डॉट एम डी यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ना यहाँ पे रिसोर्सेज में लिंक मिलेगा डॉम का। हो साथ में, पहुंच गए वहां पर, वहां तक? यस सर। उस पर क्लिक कर दो और वो खुलेगा एक W3 स्कूल्स का आर्टिकल। ठीक है, नहीं आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, अगर आपने रेपो में से नहीं करना तो आप थापर समर स्कूल की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे शेड्यूल में जाओ week 3। ठीक है, week 3 पे जाकर day 2 और day 16 पे जाकर वहां पे क्लिक हियर यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ऊपर जावास्क्रिप्ट वाले में, जावास्क्रिप्ट द डक्ट टेप ऑफ इंटरनेट मिस्टर साहिब सिंह मिस्टर युवराज सिंह, उसके बाद वहाँ पे क्लिक हियर का बटन है वो क्लिक कर दो तब भी तुम वहीं पे पहुँच जाओगे। और वहाँ पे रिसोर्सेज वाले सेक्शन में दूसरा लिंक है डॉम वाला। ओके, पहुँच गए सभी? यस सर। ओके, तो सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि सभी को सब कुछ याद नहीं होता, सभी डेवलपर्स यहीं यहाँ से हो गया, W3 स्कूल्स हो गया, जहाँ MDN के डॉक्स आते हैं वहाँ पे हो गया, ठीक है, जहाँ GFG हो गया, ये सब कुछ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ इसमें हमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो यहाँ से पता लग जाती हैं, तो हम उनको फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो अभी डॉम क्या है, डॉम की यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी वेबसाइट खुली, मान लो अभी ये ब्लैंक पेज भी है, बट जब ये वेबसाइट खुली तो हमारे जो क्रोम है, क्रोम ने क्या किया, हम इसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना दिया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना दिया। ठीक है, अब वो क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या होता है उसे शॉर्ट फॉर्म में डॉम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसा दिखता है। जैसे डॉक्यूमेंट बन गई तो उसमें क्या है, एक रूट एलिमेंट होता है जो हमारा स्टार्टिंग में शुरू होता है, जैसे यहाँ पे भी हमने HTML का यूज करके वो स्टार्ट करा है अपना, देन उसके बाद हमारा हेड टैग है, हेड है। अगर आप देखोगे ना तो देखो सबसे पहले आया HTML, उसके नेक्स्ट में एक हेड है और एक बॉडी है। ठीक है, HTML के अंदर दो टैग्स हैं, एक हेड और एक बॉडी, यहाँ पे भी वैसे ही है, हेड और एक बॉडी। उसके बाद हेड में क्या है, एक टाइटल है, हेड में हमारे भी टाइटल है। ठीक है, हेड में एक और क्या चीज़ है हमारे पास, स्क्रिप्ट टैग है। और सिमिलरली अगर हम बॉडी में जाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास अभी के लिए तो सारा कुछ कमेंटेड है, बट हम अगर मान लो अभी के लिए हम जो 11th लाइन है पी टैग वाली, PID इज इक्वल टू मैसेज, उसे अनकमेंट करेंगे तो हमारा बॉडी में सिर्फ एक टैग आएगा पी। ठीक है, तो ऐसे इसका ट्री स्ट्रक्चर बनता है, तो ये एक डॉम है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम असेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, इसमें जैसे कुछ भी हमने डायनेमिकली यहाँ पे पॉपुलेट करना है,
मान लो ये वाला मैंने उठाया, यहाँ पे अभी के लिए तो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? वो हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। लिख तो मैं ऐसे भी सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं ये ऐसे करना चाहता हूँ कि मैं अपना नाम जावास्क्रिप्ट के साथ लिखूँ, ठीक है? तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट का इसके लिए हम डॉम का इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। डॉम एपीआई है जावास्क्रिप्ट जो प्रोवाइड कर रहा है। उसमें क्या होता है, हमारे पास तीन वे हैं सेलेक्ट करने के लिए कोई भी एलिमेंट। अभी जो पैराग्राफ टैग है ये वाला, ये पूरा जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक पूरा एलिमेंट है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट के साथ। तो इसके तीन मेथड हैं, ठीक है? सबसे पहला मेथड है बाय एलिमेंट। बाय एलिमेंट मीन्स द टैग नेम। जैसे अभी के लिए जो पी टैग है वो एक टैग है, सिंगल टैग है यहाँ पे, और कोई पी है ही नहीं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये वो नहीं होता कि हम इसका यूज़ करें, ठीक है? इसका हम कहते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हम टैग नेम से कोई भी एलिमेंट असेस करें, क्योंकि टैग नेम हम बारी बारी यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पे कर लिया, उसके बाद मैंने फिर से कर लिया, इससे जगह पे कर लिया, तो ऐसे होता है कि वहाँ पे ना हमें एरे मिलते हैं, और एरे में से हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, फिर जाके हम कोई भी एलिमेंट को असेस कर सकते हैं, ठीक है? इसका क्या मेथड होता है, ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे दो मिलते हैं हमें, दो फंक्शंस मिलते हैं। एक मिलता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एक एक मिलता है गेट एलिमेंट बाय टैग। नो सॉरी, वो उसमें होता है अपने इसमें होता है क्वेरी सिलेक्टर में होता है, क्वेरी ऑल करके, इसमें नहीं होता, सॉरी। इसमें होता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग। इसमें क्या होता है कि जितने भी पी टैग्स हैं ना वो सारे आ जाए। अभी जैसे मान लो, अभी मैंने यहाँ पे ये कर दिया सेकंड, ठीक है? और यहाँ पे अभी हमारे डॉम में दो पी टैग्स हैं, तो हम उसे अगर हम असेस करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने किया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यहाँ पे टैग का नाम है पी। तो देखो यहाँ पे HTML कलेक्शन टू, और यहाँ पे हमें एक एरे मिला है जिसमें दो अपने पैराग्राफ टैग्स, ठीक है? जो मैं कह रहा था कि हमें एरे मिलता वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, वो ये रहा कि हमें एक एरे मिलता है, और मान लो अभी मैंने सेकंड पैराग्राफ को असेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक एरे रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग डाल दूंगा 1 की। सेकंड वाला असेस करना था तो ये आ गया पैराग्राफ सेकंड, ठीक है? चल रहे हो साथ के साथ, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, उसके बाद है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हम ये बेस्ट प्रैक्टिस है, सबसे ज्यादा ये वाला यूज होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी यहाँ पे देखोगे, कल बताया था युवराज ने कि एक आईडी होती है, एक और एक क्लास होती है, और आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं, बट क्लास रीयूजेबल होती है, हम काफी मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं किसी भी क्लास को, बट आईडी होती है सिंगल एक एलिमेंट के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है आईडी को, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल इसी एलिमेंट को इस आईडी के साथ असेस करता हूँ, ठीक है? इसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग करते हैं पहले, तो उसमें करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे तो कंसोल में तो ये आएगा, ये आ गया फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है? कंसोल में हो गया, ठीक है? अभी मे भी तुम्हें ये एरर आ रहा हो कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी ना आ रहा हो, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, जब भी तुम लिख रहे हो, तो चेक कर लेना कि तुम साथ के साथ वो उसे सेव कर रहे हो। जैसे मैंने तो ऑटो सेव लगा हुआ है मेरे वाले, मेरे VS कोड में ऑटो सेव की ऑप्शन मतलब मैंने टिक करी हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है जब भी मैं विंडो चेंज कर रहा हूँ, तो वो और पहले आप सेव कर लो, फिर उसके बाद ही चलेगा वो। उसके बाद चलते हैं क्वेरी सिलेक्टर पे, ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस ही है, क्वेरी सिलेक्टर और एक गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये दो चीज़ों का हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्ड करते हैं। उसके बाद है ये रहा, जैसे क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है? क्वेरी सिलेक्टर में हमने क्या किया, हमने पी टैग को कर दिया यहाँ पे, हाँ एक किया,
ठीक है, इसमें क्वेरी सिलेक्टर पी ये आ गया अपना फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और बीच में डाला था पी, जो एक एलिमेंट है, जो एक टैग है। और कल आपको ये भी बताया था कि जो सी एस एस है, सी एस एस में अगर हमने क्लास को असेस करना है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। डॉट इज फॉर क्लास, और अगर हमने आईडी को करना है तो हम हैश का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमने किसी एलिमेंट को यूज और जहाँ किसी टैग को करना है तो हम किसी चीज का नहीं यूज करते, हम सिर्फ उसका नाम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे था पी, तो हमने सीधा उसका टैग का नेम दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दो टैग नेम। ओके, सेम चीज फॉलो होती है अपने जावास्क्रिप्ट में। अगर मैंने यहाँ पे डॉट पी कर दूं इसे, तो ये अपने डॉम में सर्च करेगा कि डॉट पी से कौन सा एलिमेंट है जिसमें डॉट पी क्लास लगी हुई है, सॉरी जहाँ फिर पी क्लास लगी हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं आया, कोई है ही नहीं, कोई पी क्लास हमने डाली नहीं हुई। अगर मान लो अभी मैं इसे फर्स्ट पैराग्राफ को एक क्लास दे दूं पी, फिर देखो फिर आ जाएगा, फिर आ गया अपना एलिमेंट जो हमने हमें चाहिए था, जो हम वहां पे क्वेरी सिलेक्टर के साथ असेस करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेरी सिलेक्टर में हम पी का तो यूज कर लिया, अब मैंने आईडी का यूज करते हैं। आईडी दी मैसेज, मैसेज किया फिर से आ गया, क्योंकि हमें हमने पहले ही दिया हुआ है यहाँ पे पी टैग को एक आईडी दी हुई है मैसेज। ठीक है, तो हम वो क्वेरी सिलेक्टर में गए तो वहां पे वहां से असेस कर लिया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आते हैं, एक और होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इसी में करके देख लेते हैं। यहाँ पे करते हैं ऑल और यहाँ पे कर देते हैं पी। ठीक है, एलिमेंट मैंने लिया क्वेरी सिलेक्टर में, मैंने डाल दिया एलिमेंट टैग नेम, और यहाँ पे कर देते हैं एक और बना देते हैं और इसे दे देते हैं आईडी टू। इसमें गए तो देखते हैं अभी क्या आता है। ये देखो यहाँ पे दे दिया नोड लिस्ट और ये एक एरे है, यहाँ पे जीरो पे आ रहा है ये विद पी टैग विद आईडी ऑफ मैसेज एंड क्लास ऑफ डॉट पी एंड एट पोजिशन ऑफ इंडेक्स वन वी हैव पी टैग विद आईडी ऑफ मैसेज टू। ओके, तो ऐसे हम सभी को जितने भी वहां पे हैं वो हम इस कर सकते हैं। अभी अगर मान लो अभी मैं के लिए मैं क्या करूं कि यहाँ पे ऑल हटाकर फिर से इसे असेस करने की कोशिश करूं, क्वेरी सिलेक्टर के साथ मल्टीपल पीज हैं हमारे पास, अभी अभी के लिए डॉम में हमारे पास दो पीज हैं, तो हम क्या आएगा वहां पे आएगा जो भी हमारा फर्स्ट अक्रेंस है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एंड क्लास की, जहाँ किसी भी आईडी की जो फर्स्ट अक्रेंस है वो रिटर्न कर देगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, पी विद आईडी ऑफ मैसेज एंड क्लास ऑफ पी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिलेक्शन के लिए कि सिलेक्टिंग एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो? नहीं, सब कुछ समझ आ गया? यस सर। ओके, यस सर। ओके, उसके बाद आता है हमें कि जैसे एक तो मेथड सा था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इससे क्या कर सकते थे कि हम एक वहां पे डॉम में जहाँ अपनी वेबसाइट में कुछ लिख सकते थे, है ना, ये एक मेथड था। और अभी हमें तो पता नहीं है कि ये कहाँ पे राइट करेगा, तो इसके लिए हम स्पेसिफिकली एलिमेंट्स क्रिएट भी कर सकते हैं किसी एक पोजीशन पे। ठीक है, और इसका प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कि कोई एलिमेंट, फिर उसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, HTML में, देन उसके बाद हम डॉक्यूमेंट में अटैच करते हैं। तीन प्रोसेस हैं, तीन स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट, देन
देन उसके बाद है एड एलिमेंट टू HTML, देन उसके बाद है एड एलिमेंट टू डॉक्यूमेंट और अटैच वी कैन से। ठीक है, ये तीन स्टेप्स होते हैं अगर हमने कोई भी एलिमेंट क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इसके लिए क्या होता है, एक फंक्शन दिया होता है अपने डॉम एपीआई में, वो है ये वाला लेट डिव इज इक्वल्स टू ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, डिव, कल करवाया था डिव टैग ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसमें हमने एक और चीज यहाँ पे बाद में बताऊंगा ये क्या लिखा हुआ क्या हुआ है इनर HTML। इसमें क्या है कि इसमें उन्होंने डाल दिया इस डिव में जो हमने क्रिएट किया है उसमें डाल दिया हमने ये वाला एक और उसका चिल्ड्रन, जहाँ जैसे अभी ये हुआ है सबसे पहले स्टेप में ये क्रिएट हो गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस स्टेप में हो रहा है ये चीज, इसे कॉपी करके अभी इस स्टेप में ये हो रहा है, इतना हो गया, बट अभी वहां पे दिख नहीं रहा। ठीक है, दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड डिव, जो बॉडी थी ये बॉडी टैग है अपना, इसके चिल्ड्रन में हमें एक डिव टैग ऐड कर जहाँ अपेंड कर दिया इसके मदद से, इसकी हेल्प से, इस मेथड की अपेंड चाइल्ड। ठीक है, ये एक कॉमन नोटेशन है कि अगर ये वाला कोई टैग है तो इसके ये चिल्ड्रन है सारे। ठीक है, जितने भी टैग्स एक दूसरे टैग के अंदर आते हैं तो उसे हम चिल्ड्रन बोलते हैं, और उसके और अगर इस एलिमेंट का जो पेरेंट होगा वो बॉडी होगा। अगर यही दोनों टैग्स एक डिव के अंदर होते तो बॉडी का चाइल्ड होता डिव, और इन डिव के चिल्ड्रन होते दो पी, और पी का पेरेंट डिव और डिव का पेरेंट बॉडी। ओके, समझ आ गया ये वाली बात, चाइल्ड एंड पेरेंट वाली। ओके, यस सर। ठीक है, अभी क्या हुआ, अपेंड कर दिया हमने और हमने देखा कि उसमें आ क्या रहा है, बना क्या है, जो मैंने पहले बताया था ना कि यहाँ पे एक ये बन गया, तो ये चीज वहां पे प्रिंट होगी कंसोल में। यहाँ पे मैंने कंसोल में ये डाल दिया। ठीक है, ये आ गया डिव पी क्रिएट एलिमेंट एग्जांपल डिव, ये रहा, ये सारा कुछ जो हमने ऐड किया, पहले क्रिएट करा फिर उसमें हमने पी टैग डाल दिया और उसके बाद हमने बॉडी में अपेंड कर दिया। ठीक है, ये हो। अभी इसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें कोई भी आईडी नहीं है, कोई क्लास नहीं है, वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए है ये वाला div डॉट आईडी। डायरेक्टली हम देख सकते हैं क्योंकि div यहाँ पे मैं सबसे पहले हो गया था, क्रिएट हो गया था ना ये। ठीक है, ये क्रिएट हुआ हुआ है और इसमें क्या किया, अभी हमने ये जो डॉक्यूमेंट जो एलिमेंट है उसे हमने div में असाइन कर दिया, div की इनर HTML में हमने ये डाल दिया था और उसके बाद हमने div को अपेंड कर दिया था डॉक्यूमेंट में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अभी क्या किया, div में आईडी दे दी बेसिक की और कंसोल लॉग, अभी देखो यहाँ पे हो रहा है बेसिक विद आईडी, div विद आईडी बेसिक और बाकी सारा कंटेंट सेम है। एक काम करते हैं ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं, हाँ ये देखो यहाँ पे आ रहा है ये div आईडी बेसिक, बाकी सारा कुछ सेम है। उसके बाद अगर हमने क्लास देनी है तो क्लास भी हम सिमिलर वे में दे सकते हैं, क्लास क्रिएटेड क्लास ये वाली, और यहाँ पे आ गया, सॉरी ये ऐड नहीं हुआ, आई थिंक क्लास लिस्ट होगा यहाँ पे, अगर नहीं है तो लेट्स सी ऐड क्रिएट एलिमेंट। अगर अभी जैसे अभी वो नहीं चल रहा था तो हम क्या करेंगे, क्रिएट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट एंड ऐड क्लास, सबसे पहला स्टैक ओवरफ्लो का फ्लो का लिंक आ गया, इसमें देख दो ये रहा क्लास नेम, हो क्लास नेम, यहाँ पे आते हैं वापस और आ गया ये। ठीक है, अभी मुझे भी याद नहीं था कि कैसे करते हैं,
तो मैंने किया सर्च और हमें आ गया, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं पढ़ने की जरूरत, स्टैक ओवरफ्लो पे पहले ही आ गया। पहले किसी ने पूछा हुआ था, मेरे वर्का मेरी तरह कोई और था, उसने पहले पूछा हुआ था और किसी बढ़िया बंदे ने आंसर भी किया हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। अभी जो मैंने कहा था कि ये बाद में बताता हूँ कि है क्या ये इनर एचटीएमएल, अभी ये देखते हैं। यहां तक कोई डाउट हो? नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद अगर देखो कि अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने इस एलिमेंट को असेस कर लिया, इस एलिमेंट को क्रिएट भी कर लिया, और अभी क्या है कि अभी हमने ये वाली चीज को असेस करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए तीन मेथड जावास्क्रिप्ट में, ये वाली फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, इसमें है। सबसे पहले है अपना इनर एचटीएमएल, और दूसरा है इनर टेक्स्ट, और तीसरा है टेक्स्ट कंटेंट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। अभी यहाँ पे लेट्स सी, हाँ ये रहा। सबसे पहले हम करते हैं ये, ठीक। अभी हमने किया इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल को असेस किया, तो वहां पे आ गया ये वाली चीज जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट कंटेंट डेमो। अभी देखोगे यहाँ पे भी सिमिलर ही चीज दी गई, जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट डेमो, और बाकी ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसे देख लेते हैं कि ये क्या करेगा। इसे करा, ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी हमने यूज करा है इनर एचटीएमएल ही यूज कर रहे हैं, तो उसमें आ गया ये वाली चीज। यहाँ पे स्टाइल भी आ गया जो हमने वहां पे दिया हुआ है। तो बेसिकली ये है कि जो इनर एचटीएमएल है ना, उसमें सब कुछ आएगा, जो भी एचटीएमएल उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर लिखी हुई है वो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें सिमिलर चीज हमारे इनर टेक्स्ट में, तो इनर टेक्स्ट में क्या आता है? इनर टेक्स्ट में सिर्फ ये आ गया, वहां पे हमने एक स्पैन टैग भी दिया होता, वो नहीं आया। देखो यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट कंटेंट डेमो आया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद है तीसरा, तीसरा क्या है? टेक्स्ट कंटेंट। इसे देखे तो यहाँ पे देखोगे ना, तो इनर एचटीएमएल में आया था, यहाँ पे सब कुछ आ गया था, क्या कौन सी क्लास दी हुई है, कौन सा टैग है, क्या है, सब कुछ आ गया। बट उसके बाद इनर टेक्स्ट में क्या आया था कि सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट कंटेंट डेमो आ गया था। और बट इसमें क्या आया है, इनर टेक्स्ट कंटेंट में सब कुछ आ गया जो भी कंटेंट दिया हुआ। अभी एक और बात है कि ये थोड़ी सी पैडिंग क्या आ रही है यहाँ पे, ये थोड़ा सा शिफ्टेड क्यों है? इसका रीजन ये है कि अगर हम index.html में जाएंगे और इसे अनफॉर्मेट कर देंगे, सॉरी ठीक है, अभी सेव किया तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा, सारी पैडिंग खत्म हो गई, जो इंडेंटेशन वहां पे आ रही थी वो चेंज हो गई। वो इसलिए है इस फॉर्मेटिंग की वजह से। बट जब हम डिप्लॉय वगैरह करते हैं, जहाँ हम इसमें चलते हैं, अगर हमने डिप्लॉय कर दी तो ये नहीं आते, ठीक है। फिर से फॉर्मेटिंग सही कर दी और अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी इसमें बताओ कोई डाउट हो तो, टेक्स्ट कंटेंट, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में, अगर ओवर हो रहा है तो बता दो, फिर थोड़ा सा कम करवा देंगे। अगर ठीक चल रहा है तो भी बता दो, क्योंकि आगे और भी चीजें हैं जब, और इसका तो चल भी जाएगा। अगर ये नहीं भी ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो तब भी ठीक है, क्योंकि इनका यूज हमें जो नेक्स्ट डेज है उनमें कम होगा। बट जो ES6 है ना, ये इसका सबसे ज्यादा यूज होगा नेक्स्ट जो कमिंग डेज है। तो अभी बता दो, अगर ये ओवर हो रहा है तो फिर मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो चीज है वो करवा दूंगा, ये तुम खुद से बाद में कहीं से और पढ़ लेना, बाकी नहीं ये तो दे ही देंगे। ओवर हो रहा है, ओके।
फिर ऐसे करते हैं, अभी के लिए ना ब्रेक लेते हैं, ठीक है? ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं ES6 करवा दूंगा, जो मेन टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट फेज में यूज़ होगा, और जो ये वाली चीज़ है वो मैं बाद में, अगर टाइम मिलता है, टाइम बचता है उसके बाद, तो फिर हम फिर से डॉम शुरू कर देंगे। वैसे तो थोड़ा सा ही रहता है, यही तीन चार चीज़ें हैं। बाकी इसमें ऐसे है कि क्या स्टाइल कैसे ऐड करना है किसी भी एलिमेंट में, जहाँ उसमें क्लास कैसे ऐड करनी है, या उसमें आईडी तो हमने पहले कर ही ली थी, अगर हमने और कुछ ऐड करना है जैसे अभी क्लास लिस्ट ऐड करनी है, तो ये सब कुछ है, देख लेना एक बार। वैसे डॉम कंप्लीट हो गया है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी हो रहा है 4:10 हो रहे हैं, तो हम मिलते हैं 4:30 पे, ठीक है? 4:10 4:30 पे हम फिर ES6 स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है? तब तक अगर किसी को किसी भी आज तक के जितने भी टॉपिक HTML CSS डिप्लॉयमेंट गिटहब बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट किसी में भी कोई भी डाउट है तो पूछो, बाकी ब्रेक ले सकते हैं। ओके भैया एक डाउट था। हाँ जी। नाउ डू वन थिंग, वी विल नाउ स्टार्ट द ES6 दैट दिस पार्ट इज नीडेड इन द नेक्स्ट सेशंस द रिएक्ट द बेसिकली इट इज वेरी मच बेनिफिशियल इन द रिएक्ट पार्ट। सो प्लीज इसमें ऐसे है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनना कि क्या हो क्या रहा है, क्या कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? इसमें ऐसे करो, सबसे पहले इसमें इंडेक्स फाइल नहीं है, तो index.html फाइल नहीं है, तो सबसे पहले वो बनाओ, ठीक है? उसका कल बनाना, कैसे बनाना है वो बताया था कल, अगर नहीं याद तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर फोल्ड ऐड फाइल की ऑप्शन है, बटन है, वहाँ पे क्लिक करो और index.html लिखो, ठीक है? index.html लिखा, उसके बाद कल करवाया था html, ये चीज, ये एब्रिवेशन करवाई थी html फाइल पर, यस और नो? यस सर। आगे ना वापिस सारे ब्रेक से, ठीक है? अभी एक और इसकी है, ये ना एमेट एब्रिवेशन होती हैं, एक और है वो है ये वाली एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है? ये भी सेम ही हमें प्रोवाइड करता है HTML 5 वाला, इसे डालो और देन प्रेस एंटर, ठीक है? सेम ही देता है ये भी, फिर से बता देता हूँ, एक्सक्लामेशन साइन देन वेट फॉर सम टाइम देन आफ्टर दैट प्रेस एंटर, ठीक है? उसके बाद है हमने उसके बाद क्या करना है, हमने एक स्क्रिप्ट फाइल अटैच करनी, और अभी सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि हम ये चीज इसमें भी कर सकते हैं अपने हेड में, तो उसके लिए कौन सा था अगर कोई बता सकता है, कोई कौन सा एट्रीब्यूट हम इसमें लगा रहे थे? चैट में लिखते हो जहाँ बोल दो, जैसे मर्जी करो। डिफर। ओके ओके नाइस। और उसके बाद यहाँ पे क्या डालते थे सोर्स में, एनीवन? लिंक। कौन सा लिंक? रिलेटिव पाथ फाइल पाथ। ओके, सो इस पर्टिकुलर फाइल के लिए क्या पाथ होगा script.js के लिए, एनीवन? ./script.js। ओके नाइस। ओके, तो इसके ये क्या हुआ कि इसमें जो हमारी स्क्रिप्ट वाली फाइल थी वो अटैच होगी, जहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच होगी इस पर्टिकुलर HTML के साथ। नाउ गो टू वन थिंग, जस्ट गो टू लाइव, गो लाइव एंड स्टार्ट अ लाइव सर्वर। ओके, दिस विल बी अ ब्लैंक पेज, जस्ट ऐड H1 फॉर ES6, ठीक है? ये आ गया, यहाँ तो को साथ में चल रहा है। यस सर। कनेक्ट कर ली अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल, लिंक कर ली, और अभी के लिए वो भूल जाओ उसमें क्या है क्या, ठीक है? वो मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले क्या है कि ES6 क्या है, ES6 ना इसे ECMA स्क्रिप्ट कहते हैं, ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है? ECMA स्क्रिप्ट 6, ठीक है? ये है क्या, लेट्स सी। अभी के लिए अभी जितना भी करवाया उसमें क्या था, हमने ये कर लिया, बेसिकली डेटा टाइप्स कर लिए, उसके बाद ऑपरेटर्स कर लिए थे, कौन कौन से होते हैं, फिर कंडीशनल्स, लूप्स, डॉम किया, फिर अब बारी है ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है?
अभी एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का, इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक सिक्स्थ एडिशन ऑफ ECMAScript स्टैंडर्ड है, जैसे ES6, HEAR6 डिस्क्राइब्स द और सिंप्लीफाई स्पेसिफाइज द एडिशन ऑफ द ECMAScript, ठीक है। अभी ECMAScript करती क्या है, क्या क्या चीज़ क्या है, ये एक स्पेसिफिकेशन है फॉर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, मतलब कि कोई भी जैसे अभी ऐसे मान लो बेस्ट प्रैक्टिसेस, जहाँ जो नए नई चीज़ें आती हैं, जैसे लेट आया, पहले वार था, अभी लेट का यूज़ करते हैं और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ECMAScript में बताई जाती हैं कि हाँ ये न्यू फीचर्स आ रहे हैं, ये एनहांसमेंट्स हमने करी है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। तो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि जो भी है ना जावास्क्रिप्ट, वो ECMAScript के साथ ही चलती है, जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होगा वो ECMAScript में लिखा होगा, बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है ये जावास्क्रिप्ट, ये हम एक लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें न्यू फीचर्स हम पता लग जाते हैं कि कौन कौन से न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं और कौन कौन सी एनहांसमेंट्स हुई हैं, ठीक है। अभी ECMAScript 6 थी ना, जो वो 2015 में हमने 2015 में आई थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें होता क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी हमारी चीज़ें आई जो हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं, जहाँ हमारे करंट सिनेरियो में जो करंट प्रोग्रामिंग है जावास्क्रिप्ट की उसमें यूज़ करते हैं, उसमें ना ये चार चीज़ें आती हैं सबसे मेन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, टेम्पलेट लिटरल्स और एरो फंक्शंस, डिस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड ऑपरेटर। अगर डर रहे हो तो डरो मत, कुछ नहीं है, ज़्यादातर बस ये नाम है, बताता हूँ कि अभी एक एक करके हम देखेंगे कि है क्या इनमें, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स से। टेम्पलेट लिटरल्स, ये अगर आप देखोगे ना तो आपका कीबोर्ड पे जो एस्केप बटन है कॉर्नर में, ठीक है, उसके नीचे एक बटन है वन के साथ, वन के लेफ्ट हैंड साइड, वो दबा दो, हुआ टाइप कुछ, यस, ठीक है। ये लिटरल्स होते हैं, ठीक है, इनकी इंट्रोडक्शन हुई थी इसमें ECMAScript में। अभी इनकी कैसे होता है, क्या यूज होता है, इनका क्या बात है, वो देखते हैं। अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट से अभी एक नेम नहीं, एक पैरा बनाते हैं, ठीक है, और उसे एक लिटरल्स पास कर देते हैं, और उसके बाद हम करते हैं एक कंसोल लॉग ये पैरा, ठीक है। ये बता दिया था कि कंसोल लॉग के साथ हम क्या करते हैं, कंसोल में जो भी चीज़ें हैं वो लॉग कर देते हैं। अभी यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे खाली आ रहा है क्योंकि हमारे टेम्पलेट लिटरल्स में हमने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है script.js की लाइन फोर में जो भी है वो खाली है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फिर देखते हैं। अभी यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें ये सिमिलर है एक स्ट्रिंग के साथ जैसे, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में हम कुछ भी टाइप कर सकते थे, जैसे अभी मैं यहाँ पे करता हूँ लॉरम एप्सम कुछ भी, ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ वहाँ पे प्रिंट हो गया, लॉग हो गया, ठीक है। अभी इसमें क्या है, इसमें इससे पहले क्या होता था, टेम्पलेट लिटरल से पहले क्या करते थे, अगर मान लो अभी जैसे अभी मैंने इस चीज को यहाँ पे बनाता हूँ, मैं पहले एक लेट नेम और यहाँ पे मैं डालता हूँ नाम, और इसे भी थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, आई एम नेम, ठीक है, ये अभी जैसे ये वाला नेम है, जो ये वाला वेरिएबल है, ये मैंने इस यहाँ पे लिखना है नेम की जगह पे, तो मैं कैसे लिखूंगा, ES6 से पहले कैसे करते थे वो भी बताता हूँ, ES6 के बाद कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। अभी के लिए एनीवन, इफ किसी को भी पता है कि कैसे करेंगे ES6 से पहले, बाद वाला बाद में लिखेंगे, कोई बता सकता है, कॉमा लगा के, कॉमा लगाकर, कॉमा लगाएंगे, गलत है वैसे तो, लगाते हैं कॉमा लगाकर नेम लिख दिया, चल जाएगा सर, कॉनकैटेनेशन कंसोल डॉट लॉग में करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, ये भी एक वे है, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ नेम और इसके बाद आ गया मेरा नाम, ठीक है। अभी यहाँ से स्पेस भी हटा देते हैं तो और बढ़िया आएगा, ठीक है। अभी किसी ने कहा था कॉन्केटिनेट, फिर से रिपीट करेगा, कैसे करेंगे, पैरा के साथ ही प्लस करके डाल देते थे हम लोग, प्लस नेम ऐसे, हाँ जी, ओके,
ये भी चल गया, बट यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे ये आ रहा है, डैश लाइन आ रही, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इज डेप्रिकेटेड। मतलब क्या है कि ये वाला जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ये एक डेप्रिकेटेड है, ये अब यूज नहीं होता, ये पुराना मेथड है। अभी नया मेथड क्या है, अभी किसी को पता है क्या है नया मेथड कैसे करेंगे? डॉलर और ब्रैकेट्स। ओके नाइस। अभी क्या है, अभी इसमें कैसे करेंगे वो होता है डॉलर साइन फिर कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें होता है वेरिएबल का नेम। अभी यहाँ पे मैंने क्या करना था, जो मेरा ये वाला वेरिएबल है नेम, इसको मैंने यहाँ पे करना था, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ गया, ओके। उसके बाद आगे है, इसे क्या कहते हैं, इसे पर्टिकुलरली इस पूरी चीज को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है, इंटरपोलेशन। यू कैन सर्च ऑन जावास्क्रिप्ट ऑन गूगल अबाउट इंटरपोलेशन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इसके बारे में और भी चीजें पता लग जाए, ठीक है। ये होते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। एक और इसका बढ़िया यूज है वो है कि जैसे मान लो अभी मैंने मल्टीपल लाइंस की स्ट्रिंग लिखनी है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा लॉरम इप्सम, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा ये और नेक्स्ट लाइन में कुछ और लिख दिया, ठीक है, ये मैंने प्रिंट करनी है, देखो एज इट इज वहां पे प्रिंट होगी। एक और देखोगे तो यहाँ पे ना ऊपर भी एक स्पेस आया, ये देखो वहां पे स्पेस आई है, ये वाली चीज खाली, कुछ नहीं है वहां पे, वो इसलिए है क्योंकि हमने ये एक नेक्स्ट लाइन से शुरू करा था। ये देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिटरल डिक्लेयर किया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से मैंने ये शुरू किया, तो अगर हम एक और दो तीन डाल दो एक और, तो उसमें देखो तो और आ गई यहाँ पे, हटा देंगे बिल्कुल ही हटा दो तो बिल्कुल ही हट जाएंगे, ठीक है। एक ये मेथड, एक ये इसका यूज है लिटरल्स का, ये होता है टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, उसके बाद है एरो फंक्शंस। एरो फंक्शन से पहले देखते हैं हम सिंपल फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते थे। यहाँ पे लिखा आया था, आपको आप भी ये टर्न ऑन कर सकते हो, जैसे ये मेरा पहले लिख कर आने लग गया, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल फंक्शन और उसके बाद मुझे एक सजेशन आ रहा है फंक्शन एड ए बी, ये यूज कर रहा हूँ मैं इसका गिटहब को पायलट का, ठीक है। अगर मैं इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा तो ये नहीं आएंगे मुझे सजेशन, हम आप भी यूज कर सकते हो कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। ये क्या कर रहा है, अभी जावास्क्रिप्ट फाइल है तो जावास्क्रिप्ट फाइल में मैंने लिखा सिंपल फंक्शन, ये अपने जो भी इसकी प्रोसेसिंग है वो करता है और उसके बाद मुझे सजेशंस देता है, ठीक है। मैंने वो ही सजेशन लिया इसका और उसके बाद इसका कमेंट हटा दिया तो ये आ गया, रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। ये थी पुरानी नोटेशन। अभी मैंने इसे कॉल करना है तो ऐड फंक्शन कॉल कर दिया और डाल दिया टू एंड थ्री, और एक और काम किया इसे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, क्या है 5, ठीक है, 2 + 3 = 5 होता है, ठीक है, चल रहा है अभी तक। अभी एरो फंक्शन क्या होता है किसी को पता है? यस सर। हाँ जी बताओ सर। इसमें बस पैरामीटर्स को ब्रैकेट्स में रखेंगे और उसके आगे एरो फंक्शन लगा देंगे और सारा का सारा कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स रखेंगे तो रिटर्न डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। नाइस, वेरी नाइस, ओके, ऐसे ही है। अभी ये नोटेशन है बेसिकली। एक और काम करते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है बढ़िया नहीं लिखी हुई, सॉरी वो डिलीट कर दिया। ये नोटेशन होती है एरो फंक्शन, जो सारा काम हम इसमें कर रहे हैं ना, इसमें वो सारा इसने कर दिया बेसिकली। क्या किया, इसमें से इन्होंने फंक्शन हटा दिया, सिर्फ ये वाली चीज रह गई, ये वाली जो मैंने सिलेक्ट करी हुई है एरो फंक्शन, ये है। कोड कम कर दिया, लिखना कम कर दिया, ठीक है। अब इसको अभी डाउट हो सकता है कि ये कहाँ गया, ये वाली चीज। ऐसे तो हम कितने ही फंक्शंस बना देंगे ऐसे करके, तो वो तो अलग अलग फंक्शंस होंगे, कॉल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कॉल करा हुआ है, तो कॉलिंग के लिए ऐसे होता है लेट एड इज इक्वल्स टू, ऐसे सेम है, बिल्कुल सेम है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने एक एरो फंक्शन पास कर दिया,
ठीक है, एरो फंक्शन में क्या है, एक दो मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए, उसके बाद मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। ओके, अगर मैं इसे भी चलाऊंगा ना, इसे लेट से इस करते हैं कमेंट और इसे लेके आते हैं नीचे, आप कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं शॉर्टकट्स का यूज कर रहा हूँ। तो इसे करेंगे तो क्या आएगा, फाइव आ रहा है 23rd line में। हाँ ठीक है हमारा। अभी एक और चीज है, अभी हमने रिटर्न को भी हटाना है, कैसे हटाएंगे, ये हट जाएगा जो भी आंसर दे रहा था, ठीक है कर दूं मैं, सो बस कर्ली ब्रैकेट्स भी हटाने पड़ेंगे। ओके सही है। अभी क्या है, अगर मैं इसे करूंगा तो एरर आएगा, तो मतलब एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब शो नहीं होगा कुछ भी, ये वाला बेसिकली ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो अगर हमने इसे रिटर्न करवाना है तो क्या करो, ये सब कुछ हटाओ, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस हटाए हैं बेसिकली, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर लिख दिया, जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं ना उसके अंदर ही लिख दिया, जहां ये भी हटा दो तब भी चल जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, अभी ये तीन कोड, तीन लाइंस का कोड हमने एक लाइन में कर दिया, सेम फंक्शनलिटी होगी, देखो 5 20 line में क्या आंसर आ रहा है इसका, 5 21 line console.log, ठीक है, ये है ES6 के बाद ये पॉसिबल है। अभी तक कोई और डाउट इसमें, टेम्पलेट लिटरल्स और एरो फंक्शन में? ओके, अब आगे चलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग ऐसे होता है, जैसे अभी हमारे पास एक एरे मान लेते हैं लेट नेम्स, कोई दो बंदे अपना नाम, चल आई गए, रहने दो, पहले आए, डीएक्टिवेट करते हैं इसे, ओके अभी नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम। अभी जैसे ये है, ये कह रहे हैं ठीक है नेम्स, ये कह रहे हैं ठीक है, अभी तक मानते हो कि ये वो कह रहे हैं? यस सर। यार एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी बाकी कहाँ पे है, बाकी भी बोलो। यस सर। ओके सो अभी हम कैसे असेस कर सकते हैं, अभी मैंने इस सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि हम असेस कैसे कर सकते हैं, जहाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज हम कैसे कर सकते हैं, कोई बताओगा, कोई बताएगा? अरे इंडेक्सिंग कर लिया। ओके पूरी चीज बताओगे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, जैसे मैं मान लो साउंड 01 जैसा भी, नेम्स 0 ठीक है। अभी इससे क्या आएगा, इन दोनों, इन दो लोगों को छोड़कर कोई और बताओ, इससे क्या प्रिंट होगा? साहिब साहिब। और या अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो क्या प्रिंट होगा? राहुल। ओके और यहाँ पे राहुल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने क्या कर रहा है, करना है कि अभी मैंने इसे डिस्ट्रक्चर कर रहा है। डिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को एक वेरिएबल असाइन कर दूं, इस पर्टिकुलर चीज को एक और वेरिएबल असाइन कर दूं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, करना लेट, इसमें कर दिया नेम 1, नेम 2 ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, मतलब काफी ये सब सिर्फ समझाने के तरफ से देख रहा हूँ, तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि एरे नहीं बनाया हमने, ठीक है। अभी इसमें क्या किया, हमने नेम्स पास कर दिया, तो क्या हुआ, इसमें जो साहिब था वो असाइन हो गया नेम 1 को, जो राहुल था वो नेम 2 को असाइन हो गया। इसमें क्या हुआ कि हमने ये पूरे एरे को डीस्ट्रक्चर करके इसे सिंगल सिंगल जो एलिमेंट्स था, सिंगल सिंगल एलिमेंट था उस पर्टिकुलर नेम में, उसको हमने क्या किया, उसको वेरिएबल्स असाइन कर दिए, ठीक है, समझ आ रहा है? अभी लेट से इसे कंसोल लॉग करके देखते हैं, फिर देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो हुआ भी है कि नहीं हुआ। नेम 2, पहले नेम 1 होगा फिर नेम 2 होगा, राह साहिब एंटर होंगे, ठीक है। मान लो अभी यहाँ पे कुछ और भी था, किस कोई कोई नाम बोलो यार अपना, अदम्या। ओके स्पेलिंग यार, सॉरी अगर स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यस सर, ये कर देते हैं, ये आई थिंक ये है। यस सर। यस ओके ठीक है। अभी अगर हमने अदम्य को लेना, अदम्य नहीं आया,
ये देखो यहाँ पे नहीं आ रहा, बट अगर हम यहाँ पे असाइन कर दें नेम्स थ्री और यहाँ पे भी कर दें नेम्स थ्री तो आ जाएगा. नेम्स थ्री इज नॉट डिफाइंड, सॉरी नेम. ठीक है ये साहिब राहुल अदम सारे. ठीक है ऐसे हम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे को डिस्ट्रक्चर. ठीक है इसका यूज बता देता हूँ. एक यूज होगा रिएक्ट में यूज स्टेट में, अभी नहीं बता रहा क्या है बस यूज होगा. काफी यूज करोगे यूज स्टेट को रिएक्ट. ठीक है उसके बाद आते हैं डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स. अभी सुबह मैंने एक अभी सॉरी सुबह नहीं अभी इसी सेशन में पहले बताया था कि अरे सॉरी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं. एनीवन कोई बताएगा कैसे बनाते हैं? वेरिएबल और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स डाल के कीज़ और वैल्यूज़ पास कर लेंगे. ओके चलो कोई और बंदा कुछ भी बताओ कि कौन सा हम ऑब्जेक्ट बनाएं और कैसे बनाएं, क्या क्या कीज डालें, कुछ भी. व्हीकल बना लेते हैं सर. व्हीकल बना लिया इसमें. ठीक है ये बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया सही है. हाँ जी सर. इसमें कीज बताओ अभी, कोई और बताओ, कोई बंदा कुछ भी. मॉडल ले लो. मॉडल ले लिया. मॉडल चलो हेलो ले लिया. ठीक है नेम ले लिया. अभी मैं नहीं जा रहा बीच में क्या आता है क्या नहीं. ठीक है ये आ रहा है. अभी मान लो मैंने इसे एक मॉडल एक ऑब्जेक्ट बन गया. अभी मैंने इसे डिस्ट्रक्चर करना है तो कैसे करूँगा? लेट ऐसे और उसके अंदर अभी मान लो अभी मैंने मॉडल लिखा, मॉडल एंड नेम, इसे कर दिया साइन व्हीकल. इसमें कंसोल डॉट लॉग मॉडल एंड नेम. नेम ऑलरेडी यूज हो रखा शायद. ओह सॉरी नेम एक वो है नेम नेम ऑफ व्हीकल कर लेते हैं यहाँ पे. सॉरी हाँ ठीक है अनडिफाइंड आ गया. नेम ऑफ व्हीकल अनडिफाइंड है. ये मैंने अभी क्या हुआ है ये बताएगा कुछ क्या हुआ है अभी वो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? तो क्या चेंज करूं कि यहां पे ये अनडिफाइंड जो आ रहा है वो सही हो जाए? व्हीकल डॉट नेम ऑफ व्हीकल. ओके ये चीज ऐसी है सही है. सही किया मैंने अभी हो जाएगा वो. यस सर. ओके हो गया सही है. सिमिलर है जैसे हमने पहले उसे क्या रहा था अपने एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहा था वैसे ही हमने अपने मॉडल ऑब्जेक्ट को कर लिया. ठीक है समझ आ गया डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है. कुछ नहीं करना जैसे कोई चीज है डिस्ट्रीब्यूट करना है. मान लो अभी मेरे पास एक बैग है ठीक है टॉफीज का बैग मान लो मैंने उसको बच्चों में बांटना है तो मैं क्या करूंगा उसे डिस्ट्रक्चर करूंगा. एक टॉफी निकाली उसे एक एक पर्सन को दे दी, दूसरी निकाली दूसरे को दे दी, तीसरी निकाली तीसरे को दे दी. ठीक है यही चीज है बस डिस्ट्रक्चरिंग इसी कहता है. उसके बाद आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर. सब कुछ करते हैं यार अभी पता नहीं क्या कौन कौन से नेम ऊपर दे दिए मैंने तो सब कुछ हमने कर दिया. कमेंट ठीक है उसके बाद आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर पे. कोई बताएगा स्प्रेड क्या होता है? कुछ भी कोई डेफिनेशन बता दो कुछ भी बता दो या अगर किसी को स्प्रेड ऑपरेटर पता है वो बता दो. अगर अरे को एक्सटेंड करना है तो तीन डॉट्स लगा के उसके बाद का जो भी कंटेंट है वो डाल देते हैं. नाइस ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है. स्प्रेड ऑपरेटर में हम इन सॉरी आयुष तुम्हारी ना आवाज कट रही है समझ नहीं आया जो भी आपने बोला. चलो कोई जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो ये है इन तीन डॉट से हम स्प्रेड ऑपरेटर को डोनेट करते हैं. ठीक है इन तीन से
ये तीन डॉट्स स्प्रेड ऑपरेटर को डिनोट करती हैं। अभी ये यूज कहाँ पे होता है, कैसे यूज होता है, एक इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने ऊपर बनाया था एक नेम्स का अरे, ठीक है, अभी सेम ही हम यहाँ पे बना देते हैं और एक और अरे बनाते हैं नेम्स टू और यहाँ पे दे देते हैं। अभी बोलो यार नाम बोलो, अभी अपने दो बंदे नाम बोलो। परियांश, ओके, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ओके। सेकंड पर्सन, एक और नमन, नमन, ओके, नमन, ठीक है। अभी ये मान लो अभी मैंने इन्हें करना है, एक और अरे बनाते हैं पहले और उसमें कर देते हैं नेम्स थ्री। अभी इसमें पास कर दिया मैंने नेम्स और एक कर दिया नेम्स टू, तो कोई बताएगा इसमें क्या होगा, क्या इसका, अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूं तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या प्रिंट होगा? एरे के अंदर दो एरे हो जाएगी, मतलब नेस्टेड एरे, ठीक है, हो गया, यही हुआ। एक एरे है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं और उस एरे में दो जो एरेज हैं उनमें एक में तीन है और एक में दो है, एक में साहिब राहुल आदम है और दूसरे में प्रियांश नमन है, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जो प्रियांश और नमन वाला है उसे मैंने इसी में स्प्रेड कर दिया, तो क्या हुआ, स्प्रेड कर दिया, यही स्प्रेड ऑपरेटर है। मैंने अभी बताया था कि ये जो तीन डॉट्स हैं ये डिनोट करती हैं स्प्रेड ऑपरेटर को, ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। ये अभी देखते हैं अभी क्या हुआ, अभी वो जो था नेम्स थ्री था उसमें नेम्स तो एज इट इज रहा, बट जो नेम्स डॉट टू नेम्स टू था वो स्प्रेड हो गया, मतलब वो वहां पे बिच गया, सारा कुछ ऐसे खिलर गया, ऐसे कर कैसे, मतलब जैसे अभी टॉफिस थी मेरे पास, टॉफिस मैंने वहां पे जाकर ढेरी कर दी, गिरा दी, स्प्रेड कर दी, ठीक है। यही हुआ, एक एरे है उसमें, एरे में क्या है, एक तीन तीन एलिमेंट्स का एरे है और प्रियांश है और एक नमन है, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैं जो पहला नेम्स वाला एरे है उसे भी स्प्रेड कर दिया, तो क्या हुआ, सारी एक ही एरे में आ गई, नेम्स और नेम्स टू एक ही एरे में आ गए, ठीक है, रादर देन के वो एरे के तरह आए बट वो उसी एक एरे के एलिमेंट्स की तरह आ रहे, उसमें पहले भी आ रहे थे बट पहले क्या हो रहा था, एक नेस्टेड एरे बन रहा था, अभी क्या है, एक ही एरे है, वन डी एरे, ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो सर एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे में कॉपी कर रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर से? हाँ जी, ऐसे कह सकते हैं, बट ये पूरा सही नहीं है, अगर हम टेक्निकली बात करें ना तो ये पूरा सही नहीं जो आप बोल रहे हो, अगर हम समझने के लिए करें तो हाँ ये सही है। ये सारा है ई से, ई एस सिक्स, इसमें क्या क्या आता है, इसमें ये चार चीजें आते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स, एरो फंक्शंस, डिस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड ऑपरेटर। ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के परस्पेक्टिव से, रिएक्ट में काफी ज्यादा यूज होते हैं, कोई डाउट हो? नमन कोई डाउट है? नो सर। ओके, अगर कोई डाउट है तो बताओ, ES6 में। ठीक है, तो अभी ये बताओ जावास्क्रिप्ट पढ़नी है और के प्रोजेक्ट करना है? एक बार EJS का बता दो, EJS क्या होती है? यार EJS का ना बता तो मैं देता हूँ बट वो ना कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी सारे। EJS का हम देखेंगे जब हम बैकएंड करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ सिंपली ये कह सकता हूँ ये कि एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, उसमें कोड सारा HTML का ही होता है बट बस उसमें ना जैसे कंडीशंस लग जाती हैं, कंडीशंस होगी, लूप्स हो गए, तो वो सब कुछ लग जाता है। बस अभी के लिए इतना ही बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा,
फिर नहीं बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पे. ठीक है सर. कुछ और अभी हमारे पास लगभग एक घंटा पड़ा है तो प्रोजेक्ट करना है कि कोई और मतलब कोई और मैं टॉपिक उठाऊं. इवेंट हैंडलिंग पड़ा है और अदर टॉपिक्स पड़े हैं, ये दो चीजें हमारी पड़ी हैं अभी. तो क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है कि टॉपिक्स करना है? बताओ यार. नहीं मैं अपनी मर्जी से शुरू कर दूंगा ये सारा पढ़ाना आगे. सर प्रोजेक्ट. सर प्रोजेक्ट करा दूं. ओके. तो हमारे पास ना अभी अगर आप देखोगे अगर आप वहीं पे जाओगे तो यहाँ पे ना मिनी प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं. तो इनमें से कौन सा करना है? क्लॉक बना लें पहले, फिर उसके बाद बनाएंगे बाकी. यस सर. वो ठीक है, पहले टाइम ही देखते हैं कितना हो रहा है. यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट और इसके बाद क्लॉक. क्लॉक में बनाते हैं index.html, दूसरा बनाते हैं script.js और उसके बाद बनाते हैं style.css. ये तीन फाइल्स हमारी होती हैं सबसे पहले जो भी अगर कोई भी हमने प्रोजेक्ट शुरू करना है. ये एक सिंगल प्रोजेक्ट होगा जो मैं पूरा स्क्रैच से बनाऊंगा. बाकी का ऐसे करेंगे कि इंडेक्स दे दी, सॉरी HTML फाइल दे दी, जहाँ CSS फाइल दे दी, JavaScript अभी कर लूँगा. ठीक है, अभी क्या किया हमने, इंडेक्स HTML फाइल बनाई, CSS फाइल बनाई और स्क्रिप्ट अपनी JS फाइल बनाई. अब सबसे पहला काम होता है इन्हें लिंक करना, और उससे भी पहले काम होगा, कोई बताएगा सबसे पहला काम अभी इस फाइल में क्या होगा? ओके नाइस, कर लिया. ठीक है, बन गया. अभी इसे हटाते हैं, ये आ गया. अभी इसके बाद क्या करेंगे, क्या करना है? अभी आप ही बनाओगे, मैं नहीं कोशिश करूंगा, आप ही सारा प्रोजेक्ट बनाओगे. चलो साथ सर लिंक कर देंगे दोनों फाइल्स को. लिंक किया CSS को. ये देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, लिंक लिखा, उसके बाद मैंने डाल दिया CSS और यहाँ पे आ गया लिंक CSS और यहाँ पे लिखा आ गया Amit Abbreviations. तुम आप ना ऐसे करना, आप Amit Abbreviations सर्च करना गूगल पे, आपको बहुत सारी मिल जाएंगे. ठीक है, उनमें से मैं थोड़ी सी यूज करके दिखा दूंगा, जैसे ये वाली यूज कर दी, इसके बाद एक और करेंगे. तो ऐसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं और जो कोड है उसे हम ज्यादा, उसकी जो अपनी डेवलपमेंट स्पीड है ना वो बढ़ा सकते हैं. एंटर किया तो हो गया. अभी हमने हमारी फाइल का नेम भी style.css ही है, यहाँ पे भी style.css ही है. उसके बाद कर लिया हमने अभी स्क्रिप्ट वाली. स्क्रिप्ट में क्या किया, src script:src. एंटर किया तो हो गया. अभी जैसे पिछली बारी में भी किया था हमने, script.js लगाई थी और defer लगाया था. ठीक है, अभी हमारी क्या हुआ, अभी हमारा दोनों फाइल्स लिंक होगी और HTML फाइल इनिशिएट होगी. ठीक है, अभी उससे बात करते हैं, टाइटल चेंज करते हैं क्लॉक और उसमें भी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज करेंगे और उसका टाइटल हमने चेंज कर दिया. उसके बाद एक और चीज बताई थी मैंने कल, जो जिसका सेशन था बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप से बनाएंगे. तो बूटस्ट्रैप का यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप को हम HTML फाइल में जहाँ कहीं अपने प्रोजेक्ट में कैसे लगाएं? एनीवन SRC की तरह ही डाल दो. नहीं, उसके लिए सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था कि क्या करना है, कहाँ पे जाना है. तो बूटस्ट्रैप साइट पे CDN डाउनलोड, मतलब लिंक कॉपी करना है. हम गए getbootstrap.com पे, उसके बाद गए डॉक्स में, उसके बाद क्विक स्टार्ट में ही हमने ये दो लिंक्स थे, एक लिंक था जिसमें CSS फाइल है और एक स्क्रिप्ट है जिसमें JS फाइल था. बूटस्ट्रैप की कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट. और एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि साथ के साथ लिख दो क्या किया हमने, बूटस्ट्रैप CSS. ओके, अभी गए नेक्स्ट में, यहाँ पे हमने करना है बूटस्ट्रैप JS, उसका लिंक भी कॉपी किया
और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अभी हमारा क्या हुआ, अभी हमने हमारी फाइल्स भी होगी अटैच और अपना बूटस्ट्रैप भी होगा अटैच। स्टाइल्स डॉट सी एस एस और यहाँ पे कर दो स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, ये हो गया, सारी फाइल्स होगी, एच टी एम एल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी उसके बाद करते हैं स्टार्ट अपना क्लॉक। तो क्लॉक में क्या होगा, सबसे पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं क्लॉक की। ठीक है, तो उससे पहले करते हैं अपना सर्वर स्टार्ट। सर्वर स्टार्ट किया और आ गया क्लॉक यहाँ पे लिखकर। इसे करते हैं थोड़ा सा अभी ब्यूटीफाई। तो ब्यूटीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे एक क्लास जो होती है डिस्प्ले वन। ये है एक उसकी बूटस्ट्रैप की क्लास है। देखा, तो ये चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, साइज बड़ा हो गया। ठीक है, अभी एक और चीज करते हैं, इसे सेंटर में लेते हैं, लेके आते हैं टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, अभी सेंटर में भी आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें एक बड़ी सी यहाँ पे क्लॉक चाहिए जो हमें दिख जाए टाइमर। ये डिजिटल होगा, पहली बार बता दूं, ये एनालॉग वो सर्कुलर वाला नहीं होगा। इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे दिखेगा कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक जैसे मान लो अभी हम बैकग्राउंड दे देंगे और दूसरा वहां पे एक एलिमेंट लगा कर देंगे जिसमें वो टाइम शो हो। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं। एक और टैग का बता देता हूँ, कल नहीं बताया, सेक्शन, एक सेक्शन टैग होता है, ये सेम है, ये सिमेंटिक है, एक सिमेंटिक टैग है जो एक सेक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये सिमिलर है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट ही है। तो उसके बाद क्या किया, सेक्शन बनाया, इसमें कर दिया क्लास, दे दी इन्होंने अपने को, उसको कौन सी थी, बीजी लाइट। ये क्या क्या करेगा, बीजी लाइट बैकग्राउंड लाइट कर देगा उसका। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक स्पैन टैग दिया, स्पैन में लिख दिया कि 1111111 ऐसे होता है हमारा शो, आवर्स मिनट्स और उसके बाद सेकंड्स। ठीक है सर। हाँ जी सर, सेक्शन टैग और डिव में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे हटा दूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि सेक्शन टैग में हमारा ऐसे होता है कि हमें पता लग जाता है कि इस टैग का अगर हम यूज करते हैं, कहीं पे भी यूज किया हुआ है, अगर आप कोई भी कोड देखोगे ना तो उसमें ऐसे पता लग जाएगा कि हाँ ये डिफरेंट सेक्शन है वेबसाइट का। ओके सर। सिर्फ हमें डेवलपर को बताने के लिए यूज होता है कि हाँ यहाँ से एक और सेक्शन शुरू हो गया। ठीक है, और कोई टैग नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है, सॉरी। ठीक है, अभी के लिए हमारा यहाँ पे छोटा सा शो हो रहा है, अभी हम इसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। एक और चीज, एक और टैग का यूज, क्लास का यूज करते हैं सबसे पहले, वो है कंटेनर। कल भी करा था याद हो अगर किसी को। इसमें क्या होता है, दोनों साइड से हमारी एक पैडिंग सी लग जाती है, अपनी वेबसाइट अपनी कंटेंट में शो होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद यूज करेंगे हम डॉट रो का। बूटस्ट्रैप का ना एक ग्रिड सिस्टम है, कल नहीं करवाया था ये, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद से देखना ये मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रिड सिस्टम सर्च कर लेना, ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप, उसमें ये सब कुछ मिल जाएगा, कंटेनर क्या है, रोज क्या है। ठीक है, रो क्या होती है, रो बेसिकली ऐसे है कि रो ना, ये सारी रो है, एक रो है, ये टोटल एक रो बन गई। इसमें जैसे ये कंटेनर है अभी ना, इसका आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना, देख सकते हो ना, ये डिफ्रेंशिएटेड है, इसका बैकग्राउंड अलग है। इससे इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो ये पूरा कंटेनर है ना, पूरा जो आपको अभी दिख रहा है बैकग्राउंड लाइट है जिसका, वो सारी एक रो है। अभी क्या करना है, हमने उस रो को हमने कॉलम्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक क्लास देते हैं कॉल 12। बेसिकली ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि ग्रिड सिस्टम ना क्या करते हैं, जैसे एक रो है ना, उसे 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। उसमें से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने कितने कॉलम्स यूज करने हैं। ठीक है, यहाँ तक साथ में हो ना, समझ आ रहा है ना ग्रिड सिस्टम होता क्या है? यस सर।
यस सर। ठीक है, हमने क्या किया, एक रो को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम चूज कर सकते हैं कि हमने कितने उसमें से कॉलम्स यूज करने हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल 12। ये क्या करेगा, जो टोटल है ना, ये सारे को मतलब जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो भी चिल्ड्रन है या चाइल्ड है, उसको 12 कॉलम्स मिल जाएंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 6 ही यूज करूँ, तो क्या होगा, इसमें 6 यूज हो जाएंगे। अभी आज अच्छा तुम शायद नहीं थे, आप ऑनलाइन वाले हो। ऑफलाइन में मैंने ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, ये वाली पेस्टिसाइड, सर्च करके देख सकते हो पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड फॉर क्रोम, और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये क्या करती है, यहाँ पे ना आपको बता देते हैं कौन सा एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्पैन टैग है ये इतनी स्पेस ले रहा है जो रेड कलर में बॉर्डर है, बट जो उसके बाद उसके ऊपर है जो ये वाला डिव, ये ले रहा है इतनी यहाँ तक, इसके बाद पता नहीं क्या है, कुछ भी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये खाली है वैसे तो, कुछ भी है, बट यहाँ तक इतनी स्पेस ये वाला डिव ले रहा है। उसके बाद रो कितनी ले रही है, ये सारी रो है टोटल यहाँ तक। उसके बाद कंटेनर ये वाला, ठीक है, ये ऐसे है। चलो उसके आगे चलते हैं। अभी क्या चाहता हूँ कि ये साइड में है, ये वाली चीज साइड में आ रही है ना, ये थोड़ी सी इधर को आ रही है साइड, तो क्या कर सकते हैं, इसे हम देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो हाँ बेसिकली जो ये चीज थी ना, ये वाली चीज सेंटर में आ गई। देखो यहाँ पे भी कुछ स्पेस आ गई और यहाँ पे भी कुछ स्पेस आ गई, जो पहले यहाँ तक खत्म हो रही थी ना, वो अब डिस्ट्रीब्यूटेड वे में सेंटर में आ गई है। अभी इसके बाद क्या है कि अभी भी हमारा जो स्पैन में अंदर जो लिखा हुआ है वो एक साइड को आ रहा है, उसको कैसे करेंगे, एनीवन कोई क्लास का नेम बता सकता है कि किस क्लास का यूज करके हम उसे सेंटर में लेकर आ सकते हैं। गैस ही कर दूं सर, शायद कॉल 6। कॉल 6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन। एक बात है कि टेक्स्ट अलाइन नहीं होगा, टेक्स्ट सेंटर होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर उसमें होती है हमारे सीएसएस में प्रॉपर्टी, बस उसको क्या है अलाइन उड़ा दो उसमें से, टेक्स्ट सेंटर कर दिया। टेक्स्ट स्टार्ट के में क्या होगा, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा जो एज इट इज अभी भी है, पहले के देखते हैं सेंटर में यहाँ पे आ गया सेंटर में। अभी क्या करते हैं स्टार्ट में वापिस वहां पे चला जाएगा। एंड में क्या होगा, एंड में बिल्कुल एंड में आ जाएगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट सेंटर का, ये क्या करता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है वो लगा देता है। लग गया, यहाँ पे आ गया अपना। अभी भी ये बहुत छोटा सा है, इसे बड़ा करते हैं और एक और काम करते हैं, ये बीजी यहाँ से ना बैकग्राउंड हटाकर इसे दे देते हैं अब। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अभी एक और काम करते हैं, अभी जो स्पैन है ना, स्पैन को हम दे देते हैं डिस्प्ले 1, जो पहले भी दिया था डिस्प्ले 1, फिर देखते हैं क्या होता है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, बट अभी भी ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा सिमिलर से है, ये इसे हम दे देते हैं छोटा। बेसिकली हमने क्या दिखाना है, टाइम बड़ा होना चाहिए, और छोटा कर देते हैं क्लॉक। ठीक है, अभी ये साथ साथ चिपके चिपके लग रहे हैं, इसे भी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। इससे इसके लिए क्या होगा, MT5। ये क्या करेगा, मार्जिन दे देगा टॉप में 5 की। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया, यहाँ पे देखो मार्जिन आ गया। उसके बाद ये थोड़े से, ये देखो ये शार्प एज है, इसे भी थोड़ा सा राउंड करते हैं। इसमें ऐसे कह लो कि एक और बूटस्ट्रैप भी सिखा रहा हूँ मैं इस प्रोजेक्ट में, बाद में जेएस का देखेंगे क्या होता है। इसे कर देते हैं हम, बेसिकली ये वाला हमने जो बॉर्डर बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये हमने दिया हुआ है इस डिव को, तो इसी डिव के हमने कॉर्नर्स हैं जो उन्हें राउंड करना है। तो उसके लिए
CSS में प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमने CSS नहीं लिखनी। इसके लिए क्या होगा, राउंडेड, राउंडेड होगा, ये देखो यहाँ से राउंडेड हो गया, ठीक है ओके। उसके बाद आते हैं अभी अभी ना थोड़ी सी इसे पैडिंग भी दे देते हैं ऊपर से ना, थोड़ा सा ज्यादा ही साथ साथ, तो क्या करते हैं पैडिंग दे देते हैं 3 की सभी तरफ से, और बड़ी कर देते हैं 5 की दे देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर कर देते हैं एक स्पैन टैग, और क्या कह देते H3 देते हैं, और वहां पे देते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसे क्या करते हैं डिस्प्ले 6, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा मेरे अकॉर्डिंग अगर कुछ और करना है तो बताओ, इसमें वैसे मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, CSS भी होगी और अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा है। अभी अगर कुछ और ऐड करना है तो बताओ। JS टाइम डाल दीजिए, वो तो डाल रहे हैं अभी। वैसे HTML और CSS में बताओ अगर कुछ और ऐड करना है। चलो छोड़ो यार, JavaScript ही करते हैं, ठीक है। अभी अपना हो गया ये HTML हो चुका है सब कुछ। अभी सिर्फ एक और बात बताई थी आज मैंने कि हमने अगर कोई भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को असेस करना है तो उसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम उसे आईडी के साथ असेस करें, ठीक है। बताया था कि नहीं जब हम मैंने सिलेक्शंस करवाए थे, ठीक है। तो हम उसके लिए हमें इसे आईडी भी तो देनी पड़ेगी, टाइम वाली टाइम आईडी देती पर्टिकुलर स्पैन को इसको, क्योंकि हमने इसी को तो वो करना है, इसी को तो चेंज करना है। ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं स्क्रिप्ट में, पहले तो चेक कर लें ये हमारी हो भी चुकी है कनेक्ट कि नहीं। हेलो आई एम स्क्रिप्ट फाइल, देखते हैं अभी कंसोल खोला, यहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है। अभी हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो चल रही है और जावास्क्रिप्ट भी लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम एक और ट्राई कर सकते हैं। अभी देखोगे ना तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, अच्छा नहीं दिखेगा, ये बाहर चला गया। अभी इसका भी करते हैं सोल्यूशन, बाद में देखेंगे, पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं। आते हैं यहाँ पे, अभी हमारा हो गया काम है सिर्फ कंसोल के साथ, HTML CSS डिजाइनिंग हो चुकी है। अभी हमारा कंसोल में देखेंगे कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे उसे वहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे शो कर देंगे कि हमें चाहिए क्या। अभी इसमें करते हैं, जावास्क्रिप्ट में ना एक API होती है डेट की, जिससे हम डेट को असेस कर सकते हैं। जैसे अभी आज डेट है 20, ठीक है, तो इसे कैसे असेस करना, तो कैसे करेंगे इसमें, लेट से डेट देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल असाइन किया, यहाँ पे किया डेट। यहाँ किस किस को ऊप्स आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? यस सर, हैंड रेज कर दो एक बार, मतलब वहीं पे। ओके, मतलब आती है, ठीक है। उसमें एक टर्म होती है कंस्ट्रक्टर, हम उसी का यूज कर रहे हैं। बेसिकली हमने क्या किया, एक डेट कंस्ट्रक्टर का यूज किया एक नई डेट लाने के लिए। अभी इसे करते हैं console.log, क्या करना है डेट, अभी देखते हैं क्या आता है। ये आ गया कुछ बड़ा सारा, ट्यूसडे जून 2023, अभी टाइम हो रहा है 17:20 GMT 5:30, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, अभी इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, डॉट गेट टाइम करके देखते हैं एक बारी, फिर देखते हैं क्या आता है। गेट टाइम किया, ये तो कुछ और ही आ गया, ठीक है। इसका क्या कर सकते हैं, इसमें से हम गेट आवर्स कर लें, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आवर्स निकाल लें तो क्या आता है देखते हैं अभी, 17, ठीक है, यही चाहिए था हमें, ठीक है। उसके बाद एक और करते हैं,
डेट और उसके बाद चल एक और चीज करते हैं, गेट मिनट्स। ठीक है, मिनट्स इससे क्या होगा, मिनट्स आ जाएंगे कब कितने हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं। हाँ 21 हो रहे हैं, यहाँ पे देखोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड्स देखें कितने हो रहे हैं, 39। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं, 42, रिफ्रेश 44, ऐसे अपडेट हो रहे हैं, ये सेकंड्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इस इन तीनों को ना कॉन्केटिनेट करके एक वेरिएबल बना लेंगे और उसे क्या करेंगे, उसे वहां पे पास कर देंगे एचटीएमएल में। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं आर्स, उसके बाद बनाते हैं यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं आर्स, उसके बाद करते हैं, कल बताया था मैंने कि कैसे मल्टी कर्सर बना सकते हैं, सॉरी गेट मिनट्स, यहाँ पे भी कर दिया मिनट्स, यहाँ पे सेकंड्स, और यहाँ पे भी सेकंड्स। ठीक है, अभी ये इंडिविजुअली हम लॉग करवा के देख लेते हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आ रहा है, 1722 50 1722। ठीक है, सेकंड्स नहीं दिख रहे, इतने ही होंगे मान लेते हैं, जब हमें ये दोनों चीजें सही आ रही हैं तो ये भी मान लेते हैं कि सही दे रहा हो, फिर से देख लेते हैं। हाँ 23 23। ठीक है, चल रहा है। अभी क्या करते हैं, इसे बनाते हैं, लेट टाइम इज इक्वल टू, अभी मैंने कुछ बताया था ES6 का, कोई बताएगा कैसे यूज कर सकते हैं उसका, इसमें मैं कैसे ES6 का यूज कर सकता हूँ। समझ आ रहा है ना, पहले तो ये बताओ, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ये क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने क्या, कैसे मैं डेट को कैसे या टाइम को कैसे असेस कर पा रहा हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है तो फिर ये बता दो कि हम ES6 का यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हैं। टेम्पलेट लिटरल। nice, आगे भी बता दो कैसे यूज कर सकते हैं, सारा बोल दो जो भी लिखूंगा मैं, मतलब एक एक वर्ड डॉलर ब्रैकेट्स आर्स, लो डॉलर ब्रैकेट्स आर्स। ठीक है, उसके बाद कोलन कोलन डॉलर ब्रैकेट्स मिनट्स कोलन डॉलर ब्रैकेट्स सेकंड। ओके नाइस, मिनट्स और उसके बाद कोलन, उसके बाद अपने सेकंड्स, सॉरी सेकंड्स। ठीक है, अभी इसे लॉग करवा के देख लेते हैं, सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसी चाहिए था हमें, है ना। चलो आगे चलते हैं, अभी करते हैं उसे असेस, जो जहाँ पे हमने इस स्पैन में करना ना, हम इस पर्टिकुलर स्पैन में इसे करते हैं असेस। असेस करने के लिए क्या होगा, हम कर लेते हैं एलिमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दी थी हमने टाइम, और इसे एक बार कंसोल डॉट लॉग भी करवा के देख लेते हैं, एलिमेंट। ठीक है, यहीं पे करना है हमने, यस और नो? यस सर। ओके नाइस, अभी क्या करते हैं, अभी हम एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को साइन कर देते हैं ये टाइम, सही है। उसके बाद क्या होगा, जो भी इसकी इनर एचटीएमएल होगी ना, वो जो यहाँ पे हमने टाइम बनाया था, जो भी हमने फॉर्मेट बनाया, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो तो ये आ गया, ओके। बट अब यहाँ पे एक एरर है, बग है, वो क्या है कि ये टाइम ना वो नहीं हो रहा, रीलोड नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा, वो कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है कोई भी? सिंक्रोनस फंक्शंस। अच्छा, कोई और? यार रीलोड तो कर ही सकते हैं ना, रीलोड ही कर लो।
मतलब अगर नहीं आता तो ये बोल दो ना, रीलोड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो अभी किसी ने बोला सिंक्रोनस फंक्शंस कौन से होते हैं बताओगे? किस सिंक्रोनस फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं? जिसने बताया अगर आइडिया तो बता दो, कोई बात नहीं तो करवा देंगे। कोई नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेट टाइम आउट का, सॉरी सेट इंटरवल का, ठीक है। ये भी करवाना था बट ये हुआ नहीं क्योंकि यहाँ ये आएगा इसमें, कहाँ गया ये बोलते हैं, लेक्चर कंटेंट इसमें अदर टॉपिक्स में आएगा ये वाली चीज सेट टाइम आउट वाली। इसमें क्या किया अभी हमने, सेट इंटरवल किया। ये बता देता हूँ ये करता क्या है, इसमें जो भी हम कोड लिखेंगे ना यहाँ पे कोड, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो फिर से चलेगा, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फिर से चलेगी, ठीक है। वो हम टाइम कैसे देंगे, वो हम देंगे इसकी सेकंड वैल्यू, इस पर्टिकुलर फंक्शन की सेकंड वैल्यू जो होगी वो टाइम होगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सेकंड्स अपडेट करने हैं बेसिकली। तो क्या करेंगे, अभी हम इसमें एक 1000 डाल देंगे। अभी मैंने 1000 क्यों डाला है, क्योंकि इसमें यूज होता है माइक्रो सेकेंड्स, 1000 माइक्रो सेकेंड्स एक सेकेंड बनता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो भी हमने कोड लिखा ये वाला, इसे करो कंट्रोल एक्स और इसके अंदर कर दो पेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला एलिमेंट उठाओ, ये भी कर दो यहाँ पे पेस्ट, फिर देखते हैं क्या होता है। सॉरी कहाँ गया यार, ये रहा, देखो हो रहा है ना अपडेट, हर एक सेकंड के बाद अपडेट होने लग गया। अभी कुछ डाउट हो कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। तो 1000 वैल्यू को हम कम भी तो कर सकते हैं, कम कर देते हैं, कितनी करनी है, 500 कर दें, सेम ही आ रहा है, सही है, सेम ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें क्या हो रहा है कि हम रिसोर्सेस का वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उसका यूज नहीं है, वैसे ही हमने चाहा तो कर रहे हैं, एफिशिएंसी इसमें बहुत कम हो जाती है। अभी क्या हो रहा है कि जो ये फंक्शन है ना, ये एक सेकंड में दो बार ही चल रहा है, दो बार ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, बट हमें चाहिए तो एक ही बारी, एक ही बारी के लिए हमने इसलिए यहाँ पे 1000 लिखा था कि एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के बाद ये फिर से चले, उससे कम में जितना मर्जी कर लो, चाहे यहाँ पे एक कर दो उतनी टाइम चल जाएगा। ये देखो चल रहा है, इसकी स्पीड भी नहीं है उतनी, तो ठीक है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं 1000। कम यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, बस ये वाला इशू आएगा एफिशिएंसी का। कोई और बताओ, कुछ और डाउट हो? कोई डाउट? कुछ नहीं है, अभी थोड़ा सा कोड को ऑप्टिमाइज करना है कि नहीं, कि बस आज का सेशन करना है ऑप्टिमाइज। जैसे अभी बता दो यस नो कर दो, जो चाहते हैं ना कि ऑप्टिमाइज करें इस कोड को, वो हैंड रेज कर लो। ओके ठीक है, चलो करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी कोई बता सकता है, किसी को आइडिया है कहाँ से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस कोड को? हाँ जी अर्शनु बताओ। अर्शनु आपने हैंड रेस इसलिए करा था कि पिछले क्वेश्चन के लिए करा था,
अगर पिछले क्वेश्चन के लिए था कोई बात नहीं, अगर किसी और को कोई आइडिया है कि ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे तो बताओ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बता दूंगा, गैस भी कर सकते हो, कोई गैस नहीं है। सर वेरिएबल्स को हटा देंगे और सीधा डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ हम मेमोरी का कम यूज करेंगे बट ऑप्टिमाइज नहीं होगा, टाइम उतना ही लगेगा, हमने टाइम को ऑप्टिमाइज करना है। यही करना, अभी करते हैं लेट डेट और उसे कर दिया साइन न्यू डेट। ठीक है, एक बारी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बारी बारी नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार जब भी हम आज को ले रहे हैं तभी एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसके बाद उसका एक आगे फंक्शन कॉल हो रहा है। हमने इतना नहीं चाहिए, हमें एक बार एक डेट मिल गई उसी का हमें आज चाहिए, उसी के हमें मिनट चाहिए, उसी के हमें सेकंड चाहिए। इसलिए एक कर रखो, उसके बाद चेंज कर देना हमने ये वाली चीज। यहाँ पे बनाते हैं मल्टीपल कर्सर्स और इसे हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेट। ठीक है, अभी इसके बाद एक और ऑप्टिमाइजेशन बताई थी कि क्या करना है, डायरेक्टली इसका यूज कर लो, ये हटा दो सारे वेरिएबल्स और इसका डायरेक्टली यूज कर लो, इससे क्या होगा मेमोरी ऑप्टिमाइज होगी, मेमोरी यूजेस ऑप्टिमाइज होगी। इसका यूज कर लेते हैं, आवर्स की जगह पे ये डाल दिया, मिनट्स की जगह पे ये डाल दिया और सेकंड्स की जगह पे ये डाल दिया। ठीक है, और इन्हें कर दिया कमेंट। ओके, हो गया, अभी चेक कर लेते हैं अपना कोड चल भी रहा है कि कोई एरर आ रहा है। चल रहा है, सही है, अभी ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है। ये चीज हटा देते हैं, रख देता हूँ, आपका बाद में यूज हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई और प्रोजेक्ट बनाना है कि कोई और टॉपिक समझना है, क्या करना है बता दो, वो कर लेंगे। सिंक्रोनस फंक्शंस वगैरह समझा दो। ठीक है, कोई और किसी का, एक तो सिंक्रोनस फंक्शंस करना है और बताओ किसी का कुछ और डाउट हो वो भी बताओ। इवेंट हैंडलिंग, ये तो फिर सारा ही हो गया, जो पेंडिंग है वो तो फिर सारा ही हो जाएगा, बता देता हूँ मैं इवेंट हैंडलिंग भी। चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ। ये जो element dot inner html equal to time वाली लाइन है, इसको हम सेट इंटरवल के बाहर रख सकते हैं? सेट इंटरवल के बाहर देख लेते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। देखो कुछ और ही आ गया। ठीक है, ऐसे खुद सोच कर देखो कि जो टाइम है ना वो यहाँ पे हो गया अपडेट, एक सेकंड बाद वो अपडेट हो जाएगा और उसी टाइम को हमने आगे चेंज करना है। अगर हम इसे बाहर कर देंगे तो वो टाइम एक वैल्यू असाइन हो जाएगी और वही चलेगा, उसके बाद वो कुछ और ही हो जाएगा, जैसे अभी कुछ और ही हो आ गया था वहां पे। ठीक है, इसमें स्प्रेड ऑपरेटर का कोई यूज हो सकता है? स्प्रेड ऑपरेटर का कोई बता सकता है कैसे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ और? मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ क्योंकि वही यूएस यू स्टेट वाली चीज से याद आ रहा है बस, ये वाला भी नहीं। आपको रेट आता है एरर ऑब्जेक्टिव यूज कर ही नहीं रहे हम। नाइस, यही आंसर है इसका, हम यहाँ पे ना कोई एरर यूज कर रहे हैं ना कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए स्प्रेड ऑपरेटर का यूज नहीं होगा। ऐसे तो धक्के से तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आज मिनट्स बनाया है, इसमें क्या किया, इसे एक एरे बना दिया, उसके बाद उसे स्प्रेड कर दिया किसी एक एलिमेंट में और उसे पास कर दिया वहाँ पे, वो तो कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, कोई और बताओ डाउट।
चलो देखते हैं अभी सिंक्रोनस फंक्शंस क्या होते हैं और इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। पहले इवेंट हैंडलिंग देखते हैं, छोटा सा एक बता दूंगा होता क्या है, कैसे करते हैं और इवेंट क्या होता है। सबसे पहले इवेंट देखते हैं क्या होते हैं। अभी आपको जो दिया हुआ है ना उसके रिसोर्सेज में ना डॉम इवेंट्स का एक लिंक है, यहाँ पे index.md में डॉम इवेंट्स का, वहाँ पे जाओ और देखो क्या डॉम इवेंट्स। डॉम देख लिया हमने और उसमें अभी इवेंट्स क्या होंगे। इवेंट्स देखो ये अबाउट आफ्टर प्रिंट एनिमेशन एंड ये सब कुछ, ठीक है। अभी मैं सिंपल बताता हूँ क्या होता है इवेंट। अभी मैंने यहाँ पे एक क्लिक करा, ये एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। इवेंट जब भी आप क्लिक करोगे या स्पेस बार कोई की दबाओगे वो एक इवेंट है। अभी मैंने इस इवेंट पे ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर आ रहा हूँ, ये एक इवेंट है, माउस ओवर इवेंट है ये। अगर मैं इससे बाहर लेकर आ रहा हूँ तो वो इवेंट है। ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी डॉम में हम मतलब हवर भी कर रहे हैं, जैसे हवर हो रहा है, हवर में भी एक इवेंट हो रहा है, एक इवेंट ट्रिगर होगा अगर हम करना चाहें, ठीक है। ये सब कुछ इवेंट है। बाकी जो भी लिस्ट है ना वो सारी यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ड्रैग है, ड्रॉप है, एरर है, फोकस, फोकस आउट, इनपुट, की डाउन, की अप, की प्रेस, ये सब कुछ, ठीक है। ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स के नेम। अब इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। एक तो यूज इन्होंने बताया हुआ ये वाला, दोनों यूज बताए हुए हैं, और बताओ एक तो है ये इसे कहते हैं हम इनलाइन इवेंट हैंडलिंग। इसमें क्या है, हमने एक बटन करा, लेट्स इसे कॉपी करते हैं और अपनी वेबसाइट में करते हैं पेस्ट। इसे कर रहा हूँ यहाँ पे, कर सकते हैं इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पे करते हैं पेस्ट और ये अभी हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं console.log clicked, ठीक है। अभी जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये रही हमारी वेबसाइट, बट यहाँ पे आया नहीं, आ गया, ये आ गया क्लिक में बटन जो यहाँ पे हमने लगाया। क्लिक करके देखें तो यहाँ पे आ गया क्लिक्ड। ये एक इवेंट है, एक इवेंट ट्रिगर हुआ है, उसके बाद जाकर यहाँ पे कंसोल में लॉग हो गया। फिर से क्लिक करेंगे, फिर से वहाँ पे इवेंट ट्रिगर होके वो चीज हो रही है, ऑन क्लिक यहाँ पे इवेंट लगा हुआ, ठीक है। ये तो होगी इनलाइन इवेंट हैंडलिंग। अभी मान लो यहाँ पे ना सबसे पहले लिखा हुआ था माई फंक्शन, है ना। माई फंक्शन क्या है, यहाँ पे ऑन क्लिक दबाने पे एक फंक्शन ट्रिगर होगा, ठीक है। वो फंक्शन जो भी होगा वो कॉल होकर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी उसमें लिखा होगा। लेट्स से अभी हम करते हैं इसको, अब एक और वे से करते हैं। आईडी दी हमने इसे ऑन क्लिक की, ठीक है। उसके बाद गए स्क्रिप्ट में, यहाँ पे करा इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग में आए, यहाँ पे कर दिया हमने ऑन क्लिक यूज करना है। तो क्या किया, सबसे पहले तो किस एलिमेंट पे है वो एलिमेंट असेस करना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट है, लेट्स असेस इट। वो कैसे करेंगे, btn कर देते हैं उसका नाम, और उसके बाद कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी हाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें दे दी आईडी उसकी, कौन सी आईडी थी, ऑन क्लिक की, कॉपी करा पेस्ट करा, और उसके बाद क्या किया, इस btn पे मैंने कर दिया एक इवेंट ऐड करना, क्लिक इवेंट। तो क्या करूंगा, ऐड इवेंट लिसनर। अब ये क्या है, ऐड इवेंट लिसनर, इसका मतलब ये है कि जब भी वो ट्रिगर होगा ना, जब भी कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा, जब भी कोई यूजर उसे उस पर क्लिक करेगा तो एक इवेंट ट्रिगर होगा, बट हमने उसे लिसन भी करना है। लिसन करने के लिए हमने एक लिसनर बना दिया जो कॉन्टिन्यूसली उसे लिसन कर रहा है, अगर वो क्लिक हुआ तो साथ के साथ वो ट्रिगर हो जाएगा। अभी हमने कौन से फंक्शन, कौन से इवेंट को लिसन करना है, वो है क्लिक, इसकी फर्स्ट आर्गुमेंट। दूसरा करना क्या है, इवेंट तो ट्रिगर हो गया है, इवेंट को हैंडल कैसे करना है, हैंडल इन द सेंस उसके बाद अगर वो ट्रिगर हो गया उसके बाद करना क्या है, हमने क्या चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन एरो फंक्शन बना रहा हूँ, फिर से ES6 का यूज, और यहाँ पे मैं कर दिया console.log clicked,
ठीक है, अभी देखते हैं फिर से यूज करके, क्लिक में क्लिक्ड क्लिक्ड क्लिक्ड, ठीक है यूज हो रहा है। ओके ये इवेंट हैंडलिंग है, इवेंट ट्रिगर हुआ, हमने लिसन किया, ये पूरी एक इवेंट हैंडलिंग है। अभी मैंने सिर्फ एक दिखाया, एक का यूज करके दिखाया। अभी मान लो जैसे कोई और इवेंट होता, मान लो ऑन चेंज होता, तो वो भी ऐसे ही होता, उसमें भी हम यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देते और हो गया वो हैंडल, ठीक है ऐसे है। ये होती है इवेंट हैंडलिंग। अभी बहुत शॉर्ट में समझाया, एक ही इवेंट का यूज करके दिखाऊंगा, बाकी खुद कर सकते हो। बाकी जहाँ आपको ये सारे का सारा दिया हुआ है इवेंट हैंडलिंग में, ज्यादातर का थोड़े बहुत जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं ना, उनका यूज यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शंस। इधर ही आते हैं यार, अदर टॉपिक्स में ही आते हैं फ्रेंड्स। ये रहा, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, सेट इंटरवल का तो हमने यूज कर ही लिया। इसमें क्या था, रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एट एवरी गिवन टाइमिंग इवेंट। क्या है कि एक टाइम के बाद वो जो कोड है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा, इंटरवल, एक इंटरवल के बाद फिर से वो कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और टाइम आउट क्या है कि वो पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा, बट वो एग्जीक्यूट होता नहीं रहेगा, बस वो उसमें डिले आएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिले आकर वो फिर आगे अपना आगे फिर एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे क्या था कि 2 सेकंड्स के बाद जो भी चीज ये है ना, ये वाली चीज 2 सेकंड्स के बाद आएगी, ठीक है। ये खुद से देख लेना टेस्ट करके, ये आपके पास है सेम रेपो में ये चीज है, तो वो अपने आप टेस्ट करके देख लेना कि चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद एक है क्लियर, क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल में क्या है कि जो भी हमने इंटरवल यहाँ पे सेट करा था, जैसे यहाँ वहां पे अभी हमने इस पे जो टाइम वाला बनाया था, क्लॉक वाला बनाया था, उसमें हमने सेट इंटरवल करा था, तो उसको हमने क्लियर करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अभी मैंने 10 मिनट बाद उस इंटरवल को खत्म करना है, 10 मिनट बाद उस पर्टिकुलर इंटरवल को स्टॉप करना, तो मैं उसका कैसे यूज करूंगा? अगर किसी को आइडिया लग रहा है कि क्या यूज करके कैसे कोई लॉजिक बन रहा है तो बताओ। नहीं चलो कोई नहीं, अभी हमने ऑलरेडी वहां पे क्या किया हुआ था, सेट इंटरवल यूज करके इंटरवल चल रहा है, एक इंटरवल के बाद एक कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी हमने क्या करना है, क्या प्रॉब्लम क्या थी कि अभी हमने एक टाइम पीरियड के बाद उस इंटरवल को स्टॉप करना है, उसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम क्लियर इंटरवल का यूज करेंगे जिससे वो इंटरवल क्लियर हो जाए, स्टॉप हो जाए, और उसमें हम सेट टाइम आउट का यूज करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चीज को क्लियर कर देंगे। मतलब क्या, मान लो यही है, ये इंटरवल 2 सेकंड्स के बाद चल रहा है, मैंने क्या किया अभी सेट टाइम आउट लगाया यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या किया एक फंक्शन आगे, ठीक है, उसके बाद क्या किया यहाँ पे कर दिया क्लियर इंटरवल, कौन सा था इंटरवल, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे असाइन किया हुआ है, वो हुआ। और इसे अभी मान लो मैंने कितने सेकंड्स के बाद करें, 100 सेकंड्स के बाद कर लें, 100 सेकंड्स के बाद ये वाला जो इंटरवल है वो चेंज हो गया, वो हट जाएगा, ठीक है। ये हो गए सिंक्रोनस फंक्शंस जो होते हैं हमारे। उसके बाद असिंक अवेट आता है और डॉट देन आता है, ये भी काफी बढ़िया चीज है, काफी ज्यादा यूज होने वाली चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक और लिंक दिया हुआ है आपको, वहीं पे आप जाओगे ना, अगर यहाँ पे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस का दिया हुआ, ये एक बार आर्टिकल पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क है और हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। नहीं हैंडल करना नहीं सिखाया हुआ, कोई बात नहीं, हैंडल करने के लिए आप ये चीज सर्च कर लेना, असिंक एंड अवेट एंड डॉट देन, ठीक है, ये चीज चेक कर लेना। और एक और बात बता देता हूँ, जो है एरर हैंडलिंग है ना, एरर हैंडलिंग में जो ट्राई एंड कैच यूज होता है वो असिंक एंड अवेट के साथ यूज होता है, और जो डॉट देन के साथ यूज होता है वो डॉट कैच होता है,
अभी के लिए इतना ही बताऊंगा। उससे पहले ना एंड करने से पहले एक और प्रोजेक्ट बना देते हैं, इसे यहीं पे एंड करते हैं जो आज के टॉपिक से। अभी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कलर फ्लिपर, ठीक है? कोई डाउट बता दो, इतने में खोलता हूँ फाइल। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है कोई डाउट? कहाँ पे थे? हाँ ये रहा मैंने प्रोजेक्ट, कौन सा करना है, कलर फ्लिपर। ये रहा, मैंने पहले भी बताया, इसमें मैं HTML का पार्ट नहीं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो तुम देख लेना आप खुद से। इसमें भी मैंने बूटस्ट्रैप का यूज करके हुआ है, उसके बाद कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो देख लेना क्या है। एक बार दिखा देते हैं कि दिख कैसे रहा है वो, ठीक है? ये एक इंटरफेस है। अभी हमने क्या करना है, अभी जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया था ना क्लिक है इवेंट, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। क्लिक करते सारी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। अभी जैसे ये चल रहा है, ये वर्किंग है, तो अभी हम जैसे अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, और बैकग्राउंड की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे, फिर से जितना मर्जी क्लिक कर लो हर बारी रैंडम कोई आ रहा है, ठीक है? ओके, कोई इससे पहले अगर कोई डाउट है तो बताओ, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट लेकर फिर एंड करेंगे। अभी ले बता दो कोई अगर डाउट है। चलो बाद में कर लेंगे। चलो उसके बाद यहाँ पे कल बताया था युवराज ने कि तीन तरह के हमारे कलर्स ऑप्शन, कलर ऑप्शन होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हेक्स वैल्यू जो यहाँ पे हम यूज करेंगे, दूसरी थी RGB, कोई तीसरी बता सकता है, किसी को याद हो? GBA। RGBA। ओके, उसके बाद था हम अभी इस पर्टिकुलर हमारे इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करेंगे रैंडम। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या अप्रोच क्या है इस प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रैंडम हेक्स वैल्यू जनरेट करनी है 6 डिजिट की, जो जिसमें क्या होता है, ये दो फर्स्ट बिट्स यूज होती हैं, रेड को रिप्रेजेंट करती हैं, नेक्स्ट टू करती हैं ब्लू को, और लास्ट टू करती हैं सॉरी RGB होता है ना, पहली रेड को, देन ग्रीन को, देन आफ्टर दैट ब्लू को, ठीक है? RGB सेम ही। उसके बाद ये करके हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो इसकी सेट कर देंगे, पीछे स्टाइल सेट कर देंगे जो बॉडी का है, और यहाँ पे एडिट कर देंगे। ये दो चीजें करनी है। अप्रोच समझ आ गई क्या करना क्या है, कैसे ये प्रोजेक्ट बिल्ड होगा? अगर कुछ अप्रोच में डाउट है तो बता, फिर हम शुरू करेंगे। नहीं है, चलो अभी चलते हैं। ये कोड सारा लिखा ही हुआ तो मैं कम दिखाऊंगा, छोटा करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अभी हेक्स जो वैल्यू होती है उसमें एक तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, और A से लेके F तक अपने जो कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स होते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, या तो कैपिटल लेटर्स का या फिर स्मॉल लेटर्स का। ये हुआ, ये यूज करके हम क्या करेंगे, एक रैंडम वैल्यू बनाएंगे 6 डिजिट की। तो उसके लिए क्या करना है, चलो जैसे जैसे कोड लिखा हुआ है ना मैं एक बार समझा देता हूँ कोड। अभी ये रहा, उसके बाद क्या किया हमने, जैसे मैं बताया था ना कि वो क्लिक करने के लिए ये वाला बटन चाहिए, इस पे हमने लगाना है इवेंट लिस्नर। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, असेस कर लिया, ले आए असेस कर लिया अपना वो बटन। उसके बाद क्या करना है, एक अगर देखो दोगे ना तो document.querySelector.color, देखें क्या है इसमें, ये रही document.querySelector, ये क्लास लगी हुई है कलर कलर की, और उसमें कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है? ये रहा,
इसको असेस कर रहे हैं हम इसके साथ, कलर के साथ। उसके बाद क्या किया, हमने एक क्लिक इवेंट लिसनर लगा दिया उस बटन पे, जिसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन में क्या है, एक हेक्स कलर है जो असाइंड है अभी वैल्यू अपनी हैश। उसके बाद हमने फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप लगाने के बाद क्या किया कि जैसे अभी क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है उससे हम ऐसे भी जीरो एक्स कलर सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, असेस कर सकते हैं। अगर मैं इसे अभी एग्जीक्यूट कर दूं तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, इसे इग्नोर करो अभी, अभी के लिए इसे इग्नोर करो। तो इसके बाद क्या आंसर आएगा बोलो यार, जल्दी एंड करें फिर सेशन, 6 बज रहे हैं। नहीं पता, हैश आएगा ना यार यहाँ पे, ये चीज आ जाएगी स्ट्रिंग को, फर्स्ट इंडेक्स स्ट्रिंग का। चलो गुड, यहाँ पे हमने करा इसे अनकमेंट, और उसके बाद यहाँ पे फिर से करा, और हेक्स कलर इसमें क्या कर गया, इसमें प्लस कर रहे हैं हम हर बारी, हर बार एक जितनी बारी ये फंक्शन ये लूप चलेगा उतनी बार एक फंक्शन कॉल होगा गेट रैंडम नंबर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, और वो वैल्यू हमारी जैसे मान लो यहाँ पे होगी वैल्यू 5 वाली, तो वो 5 इंडेक्स पे क्या है 4 है, तो वो 4 यहाँ पे इसमें ऐड कर देगा हेक्स कलर में। अभी देखते हैं कि ये गेट रैंडम नंबर बना कैसे हुआ है फंक्शन, ये है यहाँ मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम इंटू हेक्स डॉट लेंथ। ये कुछ तो मैथ लिखी हुई है, कुछ तो कोड लॉजिक लिखा हुआ है, समझते हैं इसे। सबसे पहले आते हैं मैथ डॉट रैंडम पे। ये क्या करता है, हमें ना एक वैल्यू जीरो से वन में एक वैल्यू रैंडम वैल्यू दे देता है, ठीक है, जिसका हम जिसको हम क्या कर रहे हैं हेक्स की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी लेंथ है। अभी के लिए कितनी लेंथ होगी, 10 ये हो गए और 6 ये है, 16 है, ठीक है, ये 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जो वैल्यू आएगी वो भी तो यही आएगी ना, अपनी एक इंटीजर आएगी, इंटीजर नहीं सॉरी एक फ्लोट आएगी, फिर अगर आपको फ्लोट का मतलब पता है, जहाँ डेसिमल वैल्यू आएगी। तो उसका क्या कर रहे हैं हम, एक फ्लोर ले लेते हैं। फ्लोर क्या होता है, जैसे मान लो अभी वैल्यू आई 5.265, ये इसको कुछ आ गया, इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा सर? 5। ओके नाइस, अगर इसकी वैल्यू होगी ये तो क्या होगी, तो फ्लोर वैल्यू क्या आएगी सर? 5। नो, यहाँ पे आएगी 6, क्योंकि जो 5 होता ना 5.5 पे क्या हुआ वो अगर यहाँ पे भी देखोगे ना, एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है, 0 का इंडेक्स क्या है 0 है, और 4 का इंडेक्स क्या है 5 है, और 5 का इंडेक्स क्या है 6 है। यहाँ पे भी ऐसी लगाओ, जो 5.0 है ना वो 5 है, जो 5.4 है वो भी 5 ही लगा लो, 5.5 आ गया ना वो, और जो 5.5 है वो 5.6 बन गया, अगर उस एनालॉजी से देखोगे इंडेक्सिंग वाली। तो उसके कारण क्या है, ये जो वैल्यू है ना वो 6 हो जाएगी फ्लोर में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक रैंडम वैल्यू हमारी जनरेट हो रही है और वो रिटर्न हो रही है। उसके बाद हमारा हेक्स कलर बन गया। हेक्स कलर बनने के बाद हमने क्या किया रहा, कलर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसमें क्या है ये वाला, ये यहाँ पे क्या हुआ, इसको हमने असेस कर लिया था कलर के साथ, और इसके अंदर क्या चीज डालनी है, टेक्स्ट कंटेंट में हमने डाल दिया ये, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, उसके स्टाइल में हमने बैकग्राउंड कलर डाल दिया हेक्स कलर, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, इसमें मैं ऐसे थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर करके बताता हूँ। डॉक्यूमेंट क्या था, अपना पूरा डॉम, उसके बाद बॉडी, उसके अंदर का एक टैग, उस टैग का एक एट्रीब्यूट होगा स्टाइल,
जो हम इनलाइन सीएसएस का यूज करके कर सकते हैं। और उसके बाद होगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर स्टाइल में हमने बैकग्राउंड कलर लिखा और बैकग्राउंड कलर को हमने असाइन कर दी हेक्स कलर वैल्यू। ठीक है, ये हो रहा है इसके साथ। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले होगा एक कलर कलर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टाइप हो जाएगा, और उसके बाद जो बॉडी का कलर है वो चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। क्लिक करते हैं, चेंज क्लिक, चेंज क्लिक, चेंज। ठीक है, ये एक और प्रोजेक्ट है कलर फ्लिपर। बाकी रह गए तीन प्रोजेक्ट जो वहाँ पे गिवन है, वो खुद से ट्राई करना, समझ के देखना क्या है, और उसके बाद आपको उसकी सबमिशन भी करनी है। ठीक है, अभी जितने भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट है वो पूछ लो, उतनी देर तक आप हम दोनों से मेरे और योगराज से कनेक्ट कर सकते हो इन दो लिंक्स के साथ। ठीक है, अगर लिंक के क्यूआर कोड नहीं स्कैन करना तो वहाँ पे नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पे जाओ और कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो बताओ।